हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक वंस अगेन। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे मोशन इन स्ट्रेट लाइन इन जस्ट वन शॉट। और अगर कहा है कि वन शॉट, तो वन शॉट की तरह ही इसे कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट चैप्टर का जो रस है ना, आज आपको इस वीडियो में मिलेगा। पूरा एक्सट्रैक्ट आज आपको इस वीडियो में मिलेगा। घबरा रहे हो न्यूमेरिकल से? समझ आ जाएंगे आज ही। कॉन्सेप्ट नहीं समझ आ रहा है, आज ही समझ आ जाएगा। आज का आपको इस चैप्टर की ना पूरी फील आने वाली है। आप बस टिके रहना, फिर आप देखो क्या होने वाला है। ग्लास लेके तैयार बैठो। आज की इस क्लास में आपका जो ग्लास है ना, वो इस चैप्टर के रस से भर देंगे। वैल्यू फॉर टाइम वीडियो, आपके एक एक मिनट जो की जो है ना कीमत चुकाई जाएगी। आज सबसे पहले हम बात करेंगे मोशन इन स्ट्रेट लाइन एक्चुअल में होता क्या है, मतलब किस मोशन को आप स्ट्रेट लाइन मोशन कहते हैं। तो बड़ी सिंपल सी बात है, अगर आप चल रहे हो एकदम सीधे 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 चल रहे हो, चाहे वो ऐसे हो या फिर वो ऐसे हो या फिर वो ऐसे हो या फिर वो बाहर की या अंदर की साइड हो, अगर सीधे सीधे चल रहे हो तो उस मोशन को हम स्ट्रेट लाइन मोशन कहते हैं। और स्ट्रेट लाइन मोशन को हम वन डायमेंशनल मोशन भी कहते हैं। याद रखना कि ये जो सीधे सीधे चल रहे हो, ये वन डायमेंशनल मोशन है। तो सर टू डायमेंशनल मोशन कैसे होता है? टू डायमेंशनल मोशन जैसे सांप लहरा के चलता है ना, ये टू डायमेंशनल मोशन है। या फिर आप एक सर्कल में चल रहे हो ना, ये आपका टू डायमेंशनल मोशन है। तो ये क्या है? ये स्ट्रेट लाइन मोशन या वन डी मोशन, या इसी को हम रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं। तो ये आपका वन डी है, ये आपका टू डी है। और ऐसे लहराते हुए बोर्ड से बाहर निकल जाओ तो ये आपका थ्री डी मोशन है। दैट मीन्स जो मोशन बर्ड का होता है, पक्षी का होता है, ये आपका थ्री डायमेंशनल मोशन है। क्लियर है इतनी बात? तो 1D स्ट्रेट लाइन रेक्टिलिनियर मोशन मुड़ना नहीं है। हाँ, लेकिन मुड़ोगे तो आप ऐसे मुड़ सकते हैं, ये आपका स्ट्रेट लाइन में आएगा। आपका मन क्या बोला सर ऐसे मुड़ जाए तो, ये आपका फिर 2D में आ जाएगा। क्लियर है इतनी बात? तो 1D 2D 3D क्लियर हुआ। अब हम आगे बढ़ेंगे स्ट्रेट लाइन मोशन में। जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो पहला जो पॉइंट है, दैट इज डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो एक्चुअल डिफरेंस है वो पता होना चाहिए। देखो कुछ भी नहीं होता अगर मैं आपसे कहूं डिस्टेंस क्या है। तो डिस्टेंस एक्चुअल में हम इसको पाथ लेंथ भी कहते हैं, यानी कि जितना रास्ता आपने ट्रेवल किया, जितना आप एक्चुअल में सच में हकीकत में चले हो ना, उसको आप कहते हो डिस्टेंस। जैसे मान के चलो आप क्लास से वॉशरूम जाना चाह रहे हो, आप क्लास से वॉशरूम जाना चाह रहे हो, तो अब आपका मन कर रहा है, नहीं मेरा तो पेट फटा जा रहा है, मैं तो जो है जल्दी जाऊंगा, मैम मैं आई गो टू टॉयलेट। आपने कहा, मैम ने कहा यस यू कैन गो। तो देखो आप क्लास से डायरेक्ट भागते हुए जो है ना वॉशरूम में गए। आपने क्या किया? आपने एक स्ट्रेट पाथ चले, आप एकदम शॉर्टेस्ट पाथ चले, इससे छोटा कोई रास्ता नहीं हो सकता था। तो जो आपका शॉर्टेस्ट पाथ आप इसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। लेकिन पॉसिबल ये भी था कि नहीं, मेरा तो जो है क्लास में मन नहीं लग रहा है, मेरा दिमाग फट जाएगा, पेट फटे जाना पड़े। तो क्या हो जाएगा कि आपका मन क्या बोला, आज जो है हम ऐसे घूमते हुए चलते हैं। फिर आपने क्या, नहीं ये तो रास्ता छोटा हो जाएगा। तो आपने क्या कि देखो मैं ऐसे जा रहा हूं, फिर ऐसे जाऊंगा, फिर ऐसे मुड़ते हुए ये चला जाऊंगा। तो आप देख रहे हो तो कितने रास्ते हो सकते हैं इस ए से बी तक जाने के, लेकिन जो शॉर्टेस्ट पाथ है आप इसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। और एक्चुअल में आपने जितना चला आप उसको डिस्टेंस कहते हैं। तो मान के चलिए कि आप यहां से लेके ऐसे 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 करके गए, तो एक्चुअल में जो रास्ता आपने यहां से लेके पूरा जितना चला, उस पूरे को मैं मेजर करूंगा और फिर कहूंगा कि आपने कितना चला, तो ये आपकी डिस्टेंस हो जाएगी। और जो शॉर्टेस्ट पाथ है ये आपकी डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी। हाँ जी, ये जरूरी है कि अगर आपने ए से लेके बी तक जो चलने का जो आपका रास्ता है वो कितना है, अगर आपने ए से लेके बी तक चला ट्रेवल किया, तो यही आपकी डिस्टेंस भी हो जाएगी और यही आपकी डिस्प्लेसमेंट भी हो जाएगी। तो बात समझ रहे हो, भले ही आपने यहां से लेकर यहां तक का रास्ता ऐसे ट्रेवल किया, लेकिन जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा वो हमेशा यही होगा। तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू हमेशा यही होगी, लेकिन डिस्टेंस की वैल्यू बदलती रहेगी। समझ गए? लेकिन आपने ए से लेके बी तक जाने में यही रास्ता छोटा रास्ता अपनाया, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इस केस में बराबर होंगी। तो आपको समझ आ रहा होगा, डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ ट्रेवल, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स, दैट मीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। इसके बाद जो डिस्टेंस है आपकी, डिस्टेंस या तो डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो सकती है या फिर उससे बड़ी होगी। जबकि डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट या तो डिस्टेंस के बराबर हो सकती है या फिर इन सबसे छोटी होगी। तो डिस्प्लेसमेंट में भी इक्वल और लेस देन डिस्टेंस। अच्छा, इसके बाद डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है। अगर आप इस जगह से आगे बढ़ जाओ,
है ना, फिर चाहे लौट के आओ चाहे कुछ भी कर जाओ, डिस्टेंस की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही आएगी। लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो है, डिस्प्लेसमेंट के बारे में अगर हम बात करें, तो अगर आप रेफरेंस पॉइंट मान लो ये ओरिजिन है, इससे पॉजिटिव एक्स में जा रहे हो तो आपकी प्लस हो गई। अगर आप एक जो एक साइड चला गया और एक साइड चला गया तो ये इसकी डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो जाएगी। और अगर आप जो है घूम फिर के इसी पोजिशन पर आ जाओ वापस, तो इनिशियल भी यही था फाइनल भी यही है, तो फिर क्या हो गया, तो फिर क्या हो गया, तो आपकी जो डिस्प्लेसमेंट हो गई वो जीरो हो गई। तो अगर आपसे कहा जाए, तो अगर आपसे कहा जाए कि डिस्प्लेसमेंट जो है पॉजिटिव नेगेटिव जीरो तीनों हो सकती है, जबकि डिस्टेंस सिर्फ आपकी पॉजिटिव होगी। बात करें अगर हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्टेंस जो आपकी स्केलर क्वांटिटी होती है, मतलब इसके पास कोई डायरेक्शन नहीं होती, आप इसको एक्सप्लेन करने के लिए डायरेक्शन एक्सप्लेन नहीं करते। जबकि हम बात करें डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट में जो पॉजिटिव नेगेटिव साइन होता है ये एक्चुअल में डायरेक्शन को देखकर ही लिया जाता है, समझ गए। तो डिस्प्लेसमेंट को एक्सप्लेन करने के लिए आपको डायरेक्शन बतानी पड़ती है, और जिन क्वांटिटीज में आप डायरेक्शन बताते हैं उन क्वांटिटीज को हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। आगे बढ़ेंगे इस पर बेस किस तरह से आपके स्कूल में न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। अभी देखिए इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाते हैं वो किस तरह से होते हैं, ये आपके स्कूल में जो है पॉसिबल केसेस बन सकते हैं। फिर अगर आप ए पॉइंट से चल रहे हैं और आप ए पॉइंट से चल रहे हैं और वापस आप ए पॉइंट पर अगर आ जाओ, तो डिस्प्लेसमेंट आफ्टर कंप्लीट साइकिल या आफ्टर वन साइकिल, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पूछी जाएगी। भाई अगर आप ए से चल के वापस ए पर आ जाओ तो आपकी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, तो बताइए डिस्प्लेसमेंट क्या होगी। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या बोलोगे, डिस्प्लेसमेंट। अगर आप वापस ए से चल के ए पर ही पहुंच गए तो इनिशियल पोजीशन भी यही थी और फाइनल भी यही हो गई, तो डिस्प्लेसमेंट तो हो जाएगी जीरो। अब हम बात करेंगे डिस्टेंस कितनी हो जाएगी। तो देखो डिस्टेंस जब आप यहां से लेके यहां तक चले तो आप इसके सर्कमफेरेंस पर चले, तो आप यहां पर लगाओगे ए से लेके वापस ए तक, तो कंप्लीट साइकिल के लिए सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला 2 पाई आर हो जाएगा। तो 2 इंटू पाई इंटू आर की जो वैल्यू है दैट इज 7 सेंटीमीटर। तो एक्चुअल में कितना 7 × 14 सेंटीमीटर और ये आपका पाई लगा हुआ है ना, तो पाई की जो वैल्यू उसको आप लिखेंगे 3.146 और ये आपको 43 × 42 और यहां पर जो है आपका अप्रॉक्स 44 सेंटीमीटर, मैं ये मान के चल सकता हूं। तो डिस्टेंस आपकी कितनी आ गई 44 सेंटीमीटर। अगर मैं आपसे कहता कि अगर आपको निकालना है ये जो डिस्टेंस आफ्टर हाफ साइकिल है ना, हाफ साइकिल के बाद निकालना है, तो आप इसको कैसे कैलकुलेट करते। और हाँ, वन थर्ड के लिए जरूर ध्यान देना, हाफ साइकिल के लिए अगर आपको निकालना है तो फिर क्या करोगे। तो हाफ साइकिल मतलब आप ए से चलना स्टार्ट कर रहे हो, बी पर पहुंच रहे हो, तो सबसे पहले निकालेंगे डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट में क्या हुआ कि आप ए से चल रहे हो बी तक, तो चल के तो आए हो ऐसे, लेकिन शॉर्टेस्ट पाथ देखोगे तो शॉर्टेस्ट पाथ क्या है, प्लस शॉर्टेस्ट पाथ हो सकता है ये, है ना। तो देखो ये कितनी है, ये r है, ये भी r है, तो डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाएगी 2r, और इसकी जो रेडियस है वो कितनी है 7 सेंटीमीटर। तो डिस्प्लेसमेंट बिटवीन a एंड b कितनी हो गई 14 सेंटीमीटर। डिस्टेंस निकालोगे तो देखो ये पूरा 2 पाई r होता है, ये इसका आधा है, तो कितना हो जाएगा 2 पाई r का 1/2 करोगे, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा पाई इंटू r। पाई की वैल्यू 3.146 और ये r की वैल्यू आपकी 7 सेंटीमीटर 7 × 21 और मैं इसको 22 सेंटीमीटर जो है कंफर्म कर देता हूं। Now, अगर मैंने आपसे कह दिया कि आपको जाना है 3/4 साइकिल के लिए, कितनी आप जो है ना यहां से चलना स्टार्ट करते हो यहां से और आप पहुंचते हो पॉइंट सी तक, ठीक है। अब आप पॉइंट सी तक की जो है आपको निकालना है भाई ए सी कितना होगा, तो आपको निकालना है ए सी। पहले मैं कहूंगा कि भाई पहले निकालो डिस्टेंस, तो डिस्टेंस के लिए क्या होगा, आप यहां से चल के आ रहे हो तो डिस्टेंस कैसे निकाली आपने 2πr पूरा होता है, ये कंप्लीट साइकिल का 3/4 पार्ट यानी कि 75%, तो 3/4। अब आप यहां से चेक करोगे तो आपको जो है डायरेक्ट आंसर इसका मिल जाएगा, समझ में आया। तो आप इसको 3πr इंटू जो है 2 कर देना, आंसर आपका निकल के आ जाएगा 3 × 3.146 इंटू आर की वैल्यू 7 है और ये आपका इतना हो गया। तो इसको सॉल्व करके आपकी डिस्टेंस की वैल्यू निकल आएगी। अगर मैं आपसे कहता हूं डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालोगे, तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए बड़ा ही सिंपल तरीका, शॉर्टेस्ट पाथ। तो ए से लेके सी तक का जो रास्ता है वो ये हो रहा है। तो अगर आप यहां पे देखो, लेट्स से दिस एंगल इज थीटा, दिस एंगल इज 90 डिग्री, तो अगर आपका आप इसको बेस कंसीडर कर लो, ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो ये आपका हाइपोटेन्यूस हो जाएगा। अब आपको हाइपोटेन्यूस अगर निकालना है तो आप इसको कैसे निकाल सकते हो, बोला AC इज इक्वल टू √7² परपेंडिकुलर भी उतना ही है, बेस भी उतना है, तो √7² प्लस √7², तो ये आपका आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2√7 सेंटीमीटर। क्लियर हो रही है इतनी बात।
बस ये आपका सिंपल सा आंसर हो जाएगा। अब देखो इसमें जो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन बनता है वो क्या बनता है, इसको देखना थोड़ा सा, अपन जो है बढ़िया से क्वेश्चन भी करते हुए चलेंगे साथ में। अगर आपसे कह दिया जाए कि ए से लेके बी तक आप गए हो और वापस देखो एरो लगाया है, एरो वापस आप सी पे लौट के आए, तो डिस्टेंस बिटवीन ए सी कितनी होगी। डिस्टेंस, डिस्टेंस का मतलब क्या, आप एक्चुअल में कितना ट्रेवल कर गए। तो आप ए से लेके बी तक आए 10 सेंटीमीटर, फिर वापस, तो ए सी हो गया आपका 12 सेंटीमीटर। अब इसके बाद डिस्प्लेसमेंट कही जाए तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी, देखो पूरा 10 है, 2 सेंटीमीटर में कम कर दो, शॉर्टेस्ट पाथ तो यही होगा ना इसका, तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी इसकी 8 सेंटीमीटर। आगे हम बढ़ेंगे, मान के चलो ये जो सर्कल है अपने पास, इसकी जो रेडियस है वो रेडियस है आपके पास आर, ठीक है। अभी आपसे कहा जा रहा है कि डिस्प्लेसमेंट आफ्टर हाफ साइकिल, अगर मान के चलो अगर मैं सर्कल को जो है आधी साइकिल घुमा दूंगा, ठीक है, इसको आप व्हील डिस्प्लेसमेंट वाले क्वेश्चन भी कहते हैं। अगर मैं सर्कल को आधी साइकिल घुमा दूंगा तो आपसे कह रहा है कि ये जो ए पॉइंट है यहां पहुंच गया, इसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, समझ आया। तो आपको कुछ भी नहीं करना, आप ये देखो इसका बेस कितना है, तो भाई बेस ये हो गया आधी साइकिल जाने के बाद, और आधी साइकिल चलने के बाद ये जो है ये इसकी डिस्प्लेसमेंट होगी, जिसको मैं नाम दे दिया ए डैश। आपको ए डैश निकालना है बस। तो जरा चेक कर लो कि अगर आपको ये डिस्टेंस पता है तो काम बन जाएगा, पीजीटी लगा दोगे तो पता है देखो इसकी रेडियस कितनी है आर, तो इसकी कंप्लीट जो डिस्टेंस हो जाएगी यहां से लेके यहां तक की वो कितनी हो जाएगी 2R, तो आप देखो अच्छा ये वाला कितना हो जाएगा, तो अगर ये पूरी साइकिल घूम जाता तो 2 पाई आर बोलता मैं इसको, ये कितनी घूम गया आधी, तो 2 का डिवाइड कर दूंगा तो ये पाई आर बचेगा। तो आप देखो मेरे पास जो है ना बेस बचा है पाई आर और परपेंडिकुलर बचा है आपके पास, मान के चलो दिस एंगल थीटा, तो आपका 2R। तो अगर मुझे ए ए डैश निकालना है तो मैं क्या करूंगा, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, तो पाई आर का होल स्क्वायर, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, आर बाहर आ गया और ये बचा 4 प्लस पाई स्क्वायर, ये मेरा ए ए डैश की डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी। इस तरह से आप हाफ साइकिल के बाद डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। आगे बढ़ जाएं, अब हम आगे बढ़ेंगे स्पीड एंड वेलोसिटी के ऊपर। नाउ वी कम टू द अनदर टॉपिक, दैट इज योर स्पीड एंड वेलोसिटी। बड़ा ही सिंपल सा पोर्शन है, आपको जो है इसके न्यूमेरिकल भी कराएंगे जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो पहली बात जो हम यहां पर करेंगे दैट इज स्पीड। स्पीड क्या होता है, तो कुछ नहीं होता, स्पीड इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, यानी कि डिस्टेंस किस रेट से बदल रही है इसको हम कहते हैं स्पीड। अच्छा रेट नहीं समझते तो आपको बताते हैं, अगर आप बैंक में जाओ अपने कहा भैया सर रेट क्या चल रही है, तो उन्होंने कहा कि 7%, इसका मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं। सब्जी खरीदने गए आपने कहा भैया रेट क्या चल रही है, तो उन्होंने कहा कि 20 रुपए किलो, दैट मीन भाव की बात जा रही है। फिजिक्स में आपने कहा कि रेट क्या चल रही है, तो इसका मतलब है कि टाइम के साथ कोई भी चीज कैसे बदल रही है, इसको हम कहते हैं रेट। रेट का जब मतलब जब नाम लिया जाए फिजिक्स में, तो टाइम का डिवाइड लगाना ही आपको लगाना है। तो अगर मैं कहूं कि स्पीड क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, इसका मतलब है कि टाइम के साथ-साथ डिस्टेंस कैसे बदल रही है, दिस इज व्हाट वी कॉल स्पीड। तो स्पीड का जो फॉर्मूला बनता है दैट इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, क्या बनता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। लेकिन एक्चुअल में जो स्पीड हम बताते हैं वो आपकी एवरेज स्पीड होती है। क्यों, मान के चलिए आप 60 किलोमीटर का रास्ता है दो सिटीज के बीच में, अब आपने जो ना 1 घंटे में ट्रैवल कर लिया, तो आपने कहा सर मैं 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया हूं, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। लेकिन सर आप सोचो कि आपने क्या किया, आपने क्या एक ही वेलोसिटी या क्या एक ही स्पीड से गए, वो कांस्टेंट नहीं ना, ट्रैफिक आया तो आपने स्पीड कम कर ली, खाली रोड पे पहुंचे तो आपने स्पीड अपनी बढ़ा दी। तो जो आप बता रहे हो ना वो एवरेज स्पीड है, क्या है एवरेज स्पीड। तो ज्यादातर हम जो बात करते हैं वो होती है आपकी एवरेज स्पीड। तो एवरेज ये जो फॉर्मूला बना के रखा है ना, ये एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है, दिस इज वॉट टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो आप इसको डिस्टेंस अपॉन टाइम की जगह टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम लिखें, ये ज्यादा करेक्ट होता है अपना। इसी तरह से अगर कहा जाए कि वेलोसिटी क्या होता है, तो वेलोसिटी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यानी कि डिस्प्लेसमेंट किस रेट से बदल रही है टाइम के साथ, इसको हम कहते हैं वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का जो फॉर्मूला हो जाता है दैट इज चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। इसी तरह से आप एवरेज वेलोसिटी की बात करेंगे तो आप यहां पे लिखेंगे टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। नाउ अब इस पर बेस्ड जो क्वेश्चन बनते हैं वो किस तरह से बनते हैं, और ये वाला जो टाइप अभी बताऊंगा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो पहला जो पहली हम जो बात करेंगे दैट इज ए से लेके बी तक अगर आप जा रहे हो, तो आपसे कहा कि भाई ए से बी और बी से ए वापस आ गए, देखो एक एरो से लगा एक एरो से लगाया, तो ए टू बी और बी टू ए, ठीक है, आप ये जो है यहां से ट्रैवल किए। तो अगर मैंने कहा कि आपको निकालनी है एवरेज स्पीड, क्या निकालनी है, अगर मैं स्पीड भी कह रहा हूं तो वो एवरेज स्पीड ही कंसीडर होगी ना। तो अभी देखो एवरेज स्पीड आपको निकालनी है तो कैसे निकालोगे, तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो देखो टोटल डिस्टेंस कितनी है, टोटल डिस्टेंस है आपकी
ये 10 मीटर यहां से यहां तक जाने में और 10 मीटर यहां से यहां तक जाने में, टोटल डिस्टेंस हो गई 20। अब 2 सेकंड आपको यहां से यहां तक जाने में लग रहे हैं और 2 सेकंड यहां से यहां तक जाने में, टोटल टाइम हो गया 4। तो आप यहां पे देखेंगे स्पीड कितनी हो गई, देखो ऊपर मीटर है नीचे सेकंड है, तो इसको कैंसिल करने के बाद आंसर आया 5 मीटर पर सेकंड। तो आपकी जो एवरेज स्पीड हो गई दैट इज 5 मीटर पर सेकंड। लेकिन अगर आप एवरेज वेलोसिटी निकालें, एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो आप यहां पर देखेंगे कि आप ए से चले बी तक और वापस ए पर आ गए तो टोटल डिस्प्लेसमेंट हो गई आपकी 0। अब टोटल टाइम जो है अगर आपको 4 सेकंड भी लगाए फिर भी आंसर कितना आएगा 0 मीटर पर सेकंड। तो आपकी एवरेज वेलोसिटी 0 आई है जबकि एवरेज स्पीड आपकी कितनी आई है, एवरेज स्पीड आपकी 5 आई है। तो आप देखते हो कि वेलोसिटी कैन बी 0 बट स्पीड कैन नॉट बी 0। बात समझ में आ रही है? अभी हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको एकदम जो है ना बढ़िया से क्लियर कर लो। देखो अगर मैं आपसे कहता हूं क्वेश्चन आपको कुछ इस तरह से मिलता है, जरा ध्यान देना इसको, क्वेश्चन आपको कुछ इस तरह से मिला, लेट्स से ये टाउन ए है ये टाउन बी है। अब आप इस टाउन ए से टाउन बी की ओर जा रहे हो और ये जो जो डिस्टेंस जो स्पीड आपको दे दी, लेट्स से दिस स्पीड इज, लेट्स से दिस स्पीड इज 12 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। और जब आप लौट के आए तो लौट के आने की जो आपकी स्पीड है दैट इज 48 किलोमीटर या सॉरी 60 किलोमीटर पर आवर, इसको मान लो डिवाइड करने में आसानी होगी। तो अब आपसे कहा जा रहा है, अब आपसे कहा जा रहा है कि आपको बताना है कि एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी कितनी हुई, एवरेज स्पीड बतानी है आपको और एवरेज एवरेज वेलोसिटी आपको बतानी है, एवरेज वेलोसिटी। तो ये आपको कैलकुलेट करना है, तो कुछ भी नहीं करना है। अभी आपको क्वेश्चन में क्या दिया गया, सिर्फ आपसे ये कहा गया कि टाउन ए और टाउन बी के बीच में एक बस जाती है, कार जाती है जो 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है, वापस लौट के आ रही है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो आपको एवरेज स्पीड निकालनी है। तो आप ऐसा नहीं करना कि ये जा रहे हैं इसको और इसको ऐड करके 2 का डिवाइड लगा लो बोला सर निकल गया एवरेज, नहीं। क्या फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो ये बताओ कि टोटल डिस्टेंस कितनी है, टोटल डिस्टेंस क्या आपको पता है कि इसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, नहीं। तो मान के चलिए कि इसकी जो टोटल डिस्टेंस है वो है x, जाने में x और आने में x, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई 2x अपॉन टोटल टाइम कितना लगा, तो हमने कहा भाई कितना t1 + t2, कितना लगा t1 + t2। अब देखो मुझे जो है ना मैंने कहा कि भाई x + x, चलो जाने में x और आने में x, तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो 2x / t1 + t2 ये मेरा आंसर हो सकता है क्या, बिल्कुल नहीं। देखो क्या करेंगे, तो सबसे पहले मुझे t1 की वैल्यू निकाल लेता हूं मैं, t1 की वैल्यू कैसे निकाली जाएगी, तो आपको पता है भाई स्पीड का फॉर्मूला होता है, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर मैं कह रहा हूं कि स्पीड कितनी है आपकी जाने में, आपकी जाते में स्पीड है 12 किलोमीटर पर आवर, डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की आपने स्पीड से x, और टाइम कितना लगा t1, तो t1 इज इक्वल टू हो जाएगा x / 12। इसी तरह से t2 इज इक्वल टू हो जाएगा x / 60। तो आप देखो यहां पर t1 के प्लेस पर लिख सकते हो x / 12 + x / 60, तो ये आप इसको थोड़ा सा और फर्दर आगे बढ़ाएंगे तो ये आपका 60 LCM आएगा और ये आपका हो जाएगा 5 प्लस ये आपका हो जाएगा 1। समझ आ रही है बात इतनी आपको, तो ठीक है ना, ये चीज ठीक है ना। नाउ अभी देखो आप इसको आगे बढ़ाते हैं तो 2x इज इक्वल टू 60 LCM आया था, तो आपका ये ऊपर जाके हो जाएगा 60/6, तो यहां से ये कैंसिल हुआ, ये बचा आपका 10, तो ये आ गया आपका 20x। अच्छा देखो ये आपका 5x प्लस आपका 1x, तो ये कितना हो जाएगा जरा ध्यान से देखो 6x, तो ये यहां से कैंसिल हो गया, तो आपकी जो वेलोसिटी आ गई वो कितनी, जो स्पीड आ गई, जो एवरेज स्पीड वो कितनी आ गई, देखो ना एक बार जरा चेक कर लो, 2x अपॉन ये आपका 6x इनटू में कितना है, ये 60 पहुंच जाएगा ऊपर, तो 60 यहां से ये कैंसिल हुआ, तो आंसर आ गया आपका 20 किलोमीटर पर आवर। ये हो गई आपकी एवरेज स्पीड। अगर एवरेज वेलोसिटी निकालनी होगी तो आप ए से लेके बी तक पहुंच रहे हो फिर वापस बी से लेके ए तक आ रहे हो, तो एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी आपकी 0 बिकॉज डिस्प्लेसमेंट हो गई इस केस में 0। आगे बढ़े, इस तरह का जो क्वेश्चन है ये आपको ध्यान देना। अब इसी क्वेश्चन में ये भी कह देता कि आधी स्पीड आपने x/2 से जो है इस वेलोसिटी से ट्रेवल की है, आधी इस वेलोसिटी से ट्रेवल की है, तो आपको जो है टोटल जो है निकालनी होती, तो निकाल दोगे ना, यहां पर x/2 रखोगे, यहां पे x/2 रखोगे। क्लियर हो रही ना बात आपको? चलिए आगे बढ़े,
आगे बढ़ें। चलिए तो अभी हम बात करेंगे एक्सेलरेशन की, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, इस पर कैसे न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे ये सीखेंगे। बड़ी ही सिंपल सी बात है। अगर मैं आपसे कहता हूं एक्सेलरेशन क्या होता है, तो जैसे हमने स्पीड ऑफ वेलोसिटी पढ़ा ना, वैसे एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का मतलब है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। भाई जरूरी तो नहीं है ना कि आप एक ही वेलोसिटी से आगे बढ़ते रहे, आपकी वेलोसिटी बदलेगी भी, तो किस रेट से वेलोसिटी बदल रही है इसको हम कहते हैं एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला है दैट इज चेंज इन वेलोसिटी। देखो चेंज के लिए दो टर्म यूज होते हैं, एक होता है मान के चलिए डेल और एक होता है डी। तो जब भी मैं कहता हूं ना डेल टी, तो उसका मतलब है कि चेंज इन टाइम, ये एक नोटिसेबल चेंज होता है। जबकि मैं कहता हूं डी टी, तो ये एक चेंज इन टाइम है, लेकिन ये बहुत छोटा, इनफाइनाइटली स्मॉल चेंज इन टाइम है। तो याद रखना इसका मतलब भी चेंज है और इसका मतलब भी चेंज है, लेकिन ये एक बड़ा चेंज है और ये बहुत छोटा सा चेंज है, ये इनफाइनाइटली स्मॉल चेंज है। तो देखो अगर मैंने कहा कि भाई रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी दैट मींस चेंज इन वेलोसिटी विद चेंज इन टाइम, अब आप जानते हो ना कि वेलोसिटी बढ़ भी सकती है और वेलोसिटी कम भी हो सकती है। जब वेलोसिटी बढ़ेगी तब भी आप उसको कहोगे वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, और जब वेलोसिटी कम होगी तब भी आप कहोगे वेलोसिटी में चेंज हो रहा है। इसका मतलब एक्सेलरेशन तो दोनों ही केसेस में हो रही है ना, क्योंकि वेलोसिटी बदल रही है। तो अगर मैं आपसे कहता हूं कि एक्सेलरेशन कितने टाइप की होती है, तो आप कहेंगे एक्सेलरेशन दो टाइप की होती है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन जिसको आप इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन भी कहते हैं। तो ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन का मतलब क्या है, इंक्रीजिंग वेलोसिटी, है ना, क्या बोलोगे, इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग वेलोसिटी, ठीक है। अगर वेलोसिटी आपकी कम हो रही है तो आप उसको डिक्रीजिंग वेलोसिटी यानी कि नेगेटिव, डिक्रीजिंग वेलोसिटी यानी कि नेगेटिव एक्सेलरेशन भी कहते हो। नेगेटिव एक्सेलरेशन का दूसरा नाम भी जिसको अपन कहते हैं रिटार्डेशन, या फिर इसी को आप तीसरे नाम से भी जानते हो, उसको हम कहते हैं डिसेलरेशन। ये वर्ड आपका डी एक्सेलरेशन से बना है, इसको हमने कहा डिसेलरेशन, क्लियर है। नाउ अभी देखो एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, डेल वी अपॉन डी टी, चेंज इन वेलोसिटी विद चेंज इन टाइम। लेकिन एक्चुअल में मान के चलो कि अगर मैंने कहा कि मुझे किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर, एक घंटे की बात नहीं कर रहा हूं, एक मिनट की बात नहीं कर रहा हूं, अगर मुझे चाहिए कि उस 50वें सेकंड पर एग्जैक्ट उस समय पर वेलोसिटी क्या थी, एग्जैक्ट 50वें सेकंड पर एक्सेलरेशन क्या थी, 50 सेकंड के नहीं 50th सेकंड की बात कर रहा हूं, 50वें सेकंड की जब मैं बात करूं, तो उस पॉइंट को मैं बोलता हूं इंस्टेंटेनियस। तो अगर एग्जैक्ट 50वें सेकंड पर या 10वें सेकंड पर मुझे वेलोसिटी निकालनी है तो मैं उसको कहता हूं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, और अगर मुझे उसी समय पर एक्सेलरेशन निकालनी तो मैं उसको कहता हूं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो देखो नॉर्मल एक्सेलरेशन या नॉर्मल वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है, जब मैं बात करता हूं नॉर्मल वेलोसिटी की तो वहां पर लिख देता हूं डेल एक्स अपॉन डेल टी, यानी कि चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। लेकिन जब मैं बात करता हूं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की, इंस्टेंटेनियस तो इंस्टेंटेनियस यानी किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर, तो वहां पर जो टाइम है भाई वो चेंज इन टाइम बहुत छोटा सा है। अगर मैं सिर्फ 10वें सेकंड की बात कर रहा हूं तो 10वें सेकंड का मतलब टाइम तो देखो बदलेगा, लेकिन इनफाइनाइटली स्मॉल बदलेगा, समझे ना। तो एग्जैक्ट 10वें सेकंड पर जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा उसको मैं नाम दिया dx, यानी कि डिस्प्लेसमेंट, और जो टाइम जो में जो चेंज आया उसको मैं नाम दिया dx। इसी तरह से एग्जैक्ट पर्टिकुलर टाइम पर निकाल रहे हो तो टाइम में चेंज तो होगा, तो मैंने कितना चेंज, इनफिनिटली स्मॉल चेंज, तो भाई dt और ये dv। तो बात समझिए कि जब मैं कहता हूं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, वापस वहां आते हैं, देखो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन देख लो, dv अपॉन dt यानी कि इनफिनिटली स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी, इनफिनिटली स्मॉल चेंज इन टाइम। तो देखो इसी चीज को हम पढ़ता है dv अपॉन dt, इसी चीज को हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं d by dt ऑफ वेलोसिटी, d by dt ऑफ वेलोसिटी। और फिजिक्स के अंदर या मैथमेटिक्स के अंदर कभी भी लिखा हो d by dt ऑफ एनीथिंग, ऑफ एनीथिंग इसका मतलब होता है कि आपको उस एनीथिंग का जो है डिफरेंशियल करना है। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ वी, इसको आप ऐसे पढ़ते हो डिफरेंशियल ऑफ वी, क्या पढ़ते हो डिफरेंशियल ऑफ वी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो अब अगर मैं आपसे कहता हूं कि आपको निकालनी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, यानी कि आपको जो ना एक इक्वेशन दी जाएगी एक्स की, यानी कि डिस्प्लेसमेंट की एक इक्वेशन दी जाएगी, उस इक्वेशन को के थ्रू आपको किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर वेलोसिटी या एक्सेलरेशन निकालनी होती है, ये अपन बात करेंगे।
करेंगे नाउ। तो अगर मैंने कहा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हो गया, तो आप कहेंगे वेरी स्मॉल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद वेरी स्मॉल चेंज इन टाइम, या इसी चीज को आप कह सकते हो डी एक्स बाय डी टी। अब इसको पढ़ने का दूसरा तरीका क्या होता है, बोला डी वाई डी टी ऑफ एक्स। d by dt का मतलब होता है डिफरेंशियल ऑफ x। तो मैंने कहा कि वेलोसिटी अगर निकालनी है तो आप क्या बोलोगे, डिफरेंशियल ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और ये जो तरीका है ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालने का मेथड है, समझ गए ना। एक्सेलरेशन के लिए डिफरेंशियल ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू टाइम। नाउ अभी आपको डिफरेंशियल का अगर बेसिक रूल नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूं, एक मिनट का टाइम लगेगा। देखो इक्वेशन मिलेगी आपको क्वेश्चन में, आपको एग्जाम में इक्वेशन मिलेगी, आपको उसका जो है ना आंसर निकालना होगा किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट टाइम और जो है वेलोसिटी का होगी। देखो अगर मैं आपसे कहता हूं कि आपके सामने ये x दी हुई है, ठीक है, मुझे नहीं पता ये x का है, बस मुझे पता है ये x है और ये लिखा हुआ है भाई 60 square। मुझे इसका d by dt करना है, मतलब डिफरेंशियल करना है इस x का टाइम के रिस्पेक्ट। तो क्या करूंगा कि भाई t के ऊपर, टाइम के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं ना, तो t के ऊपर जो भी पावर होगी वो आ जाएगी आगे, तो 6 का into 2 से हो जाएगा, तो कितना होगा 12, समझ गए, ये पावर आगे आ गई तो 6 का into 2 से 12, और जो भी पावर होगी उसमें से एक कम हो जाएगा, तो पावर कितनी बची 1, तो 12 t इसका आंसर हो गया। दूसरा देख लो कि भाई यहां पर लिखा है 60 लिखा है, अब अगर मैं आपसे कह दूं सिंपल अगर मैं आपसे कह दूं कि भाई इसका जो डिफरेंशियल करो t के रिस्पेक्ट में, तो t के रिस्पेक्ट में t की पावर देखो, तो t के ऊपर पावर है 1, तो पावर 1 आ जाएगी आगे, तो 1 into 6 हो जाएगा। अब इस t में से एक पावर कम हो गई तो पावर 0 बची, तो किसी भी जिसके ऊपर पावर 0 तो उसका मतलब था 1, तो आंसर कितना आ गया 6। इसी तरह से अब अगर मान लो आपको करना है x की वैल्यू 6 दी होती और आपको करना है इस x का जो है डिफरेंशियल टाइम के रिस्पेक्ट में, तो क्या करोगे, क्या यहाँ पर t लिखा है, नहीं लिखा, तो इसका मतलब है क्या ये टाइम पर डिपेंड कर रही है, बिल्कुल नहीं कर रही, तो टाइम के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशियल 0, समझ में आ गई। अच्छा अगर ये लिखा होता टी क्यूब तो क्या करते, जरा चेक करो 3 आ जाता आगे, पावर में से एक कम करते 3t² हो जाता। अब हम करेंगे इसके न्यूमेरिकल्स। अभी देखिए आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो कुछ इस तरह से होगा कि आपको दिया जाएगा लेट ए पार्टिकल या लेट मोशन ऑफ ए पार्टिकल कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय दिस इक्वेशन, लेट मोशन ऑफ ए पार्टिकल कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय दिस इक्वेशन वेयर एक्स इज पोजिशन, क्लियर। तो अब आपको निकालना है फाइंड पोजिशन ऑफ दिस पार्टिकल, ये तो इक्वेशन दी है, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, फाइंड पोजिशन velocity and acceleration at time t is equal to 0, या question में कुछ और चेंज करके कह सकता है between time 1 second and 2 second, सब कुछ बता देते हैं। तो देखिए आपके दिमाग में पहली चीज आ रहा होगा कि टाइम t is equal to 0 पर तो टाइम स्टार्ट ही नहीं हुआ ना, फिर जो है कैसे अपन वेलोसिटी निकाल सकते हैं, एक्सेलरेशन निकाल सकते हो। एक्चुअल में जब कहा जाता है ना टाइम टी इज इक्वल टू जीरो, इसका मतलब ये होता है कि कार या कोई भी पार्टिकल आपका जो है पहले से चल के आ रहा था, लेकिन आपने जो है ना यहां से आप यहां खड़े थे, बोला आपने जो है यहां पर अपनी स्टॉप वॉच स्टार्ट की, तो आपके लिए जो टाइम टी इज इक्वल टू जीरो है ये यहां से है, समझ गए। पार्टिकल ऑलरेडी मोशन में था, इसीलिए हमें उस पार्टिकल की वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और इनिशियल पोजिशन से उसकी जो है फाइनल पोजिशन कैलकुलेट करनी है। नाउ अभी हम बात करेंगे, सबसे पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं इसकी पोजिशन। तो क्या कहा है कि फाइंड पोजिशन एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो। देखो बड़ी ही सिंपल सी बात, अगर मैं टाइम टी इज इक्वल टू जीरो पुट कर रहा हूं तो एक्स की जो मुझे वैल्यू मिल रही है वो मिल रही है 4 0² - 15 × 0 + 25। तो x की जो वैल्यू मेरे पास आई वो आ गई 25 meter, क्लियर है ना। अभी मुझे निकालना है वेलोसिटी, तो वेलोसिटी एट टाइम t इज इक्वल टू जीरो। तो देखो ये मेरे पास पोजीशन है, ये पोजीशन है, तो वेलोसिटी निकालने का तरीका क्या होता है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट या चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसी चीज को मैं बोलता हूं डिफरेंशियल ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्या, डिफरेंशियल ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो इस x का मुझे डिफरेंशियल करना है, तो मैं इसको ऐसे लिख लेता हूं डी बाई डी टी ऑफ दिस x, तो 4t² - 15t + 25। आगे बढ़े कितना हो जाएगा, देखो ये देखो डिफरेंशियल तरीका क्या, कि पावर जो है आगे आ जाएगी और t के ऊपर जो भी पावर है उसमें से एक कम हो जाएगा, माइनस 15 t का हो जाएगा 15, अभी पढ़ा है हमने 25 के साथ क्या t लगा है, नहीं लगा, तो हो जाएगा इसका 0। तो v की जो इक्वेशन आ गई दैट इज 8t - 15। अब अगर आप यहां पर देखो ये क्या है, ये आपने क्या निकाल दिया, v वेलोसिटी निकाल दी। अब आप यहां पर टाइम t इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो आपको मिलेगा v इज इक्वल टू 8 × 0 - 15। तो एक्चुअल में जो वेलोसिटी आ गई आपकी ये हो गई 15 m/s, बट ये नेगेटिव डायरेक्शन में है, कहां पर है, -15 m/s, क्लियर। नाउ अभी देखो, अभी देखिए,
अब अगर हम बात करते हैं एक्सेलरेशन की, तो एक्सेलरेशन जो है वो आप कैसे निकालोगे, इसी वेलोसिटी का, जो आपने वेलोसिटी निकाली ना एक्स का एक बार डिफरेंशियल करने से, ये बन गई। अब इसका जो एक बार और डिफरेंशियल कर दो, तो हम इसको कहते हैं कि भाई एक्स का दो बार डिफरेंशियल कर दिया तब भी एक्सेलरेशन निकल जाएगी, या फिर वेलोसिटी वाली इक्वेशन का एक बार डिफरेंशियल कर दो। तो एक्सेलरेशन का मतलब क्या है, जो भी आपकी वेलोसिटी निकली उसका डिफरेंशियल कर दो, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि देखिए जरा ए, अच्छा देखो, डी इंटू वेलोसिटी की वैल्यू क्या है, ए टी माइनस 15 यानी कि इक्वेशन अपॉन डी टी। तो एक्सेलरेशन जो बनेगी वो हो जाएगी ए टी, तो इसका हो जाएगा 8, क्या 15 के साथ टी लगा है, बिल्कुल नहीं लगा है ना। तो एक्सेलरेशन की जो वैल्यू आ गई, मतलब 15 का कितना हो जाएगा 0, ये तो टाइम पे डिपेंड कर ही रहा, तो एक्सेलरेशन की जो वैल्यू आ गई वो गई 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखो यहां पर एक बात आपको समझनी है, क्या एक्सेलरेशन की इक्वेशन में टाइम, मतलब जो टी लगा है, बिल्कुल नहीं लगा। इसका मतलब ये है कि ये एक्सेलरेशन जो है टाइम पर डिपेंड नहीं कर रही। दिस एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म, ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, समझ में आई आपको, ये देखो टाइम पर डिपेंड नहीं कर रही है ना। चलिए आगे बढ़े। अगर आपसे ये कह देता कि आपको जो है ना वेलोसिटी निकालनी है, आपको निकालनी है वेलोसिटी बिटवीन टाइम टी इज इक्वल टू 0 एंड टाइम टी इज इक्वल टू 1, ये कह देता वेलोसिटी बिटवीन टाइम टी इज इक्वल टू 0 एंड टाइम टी इज इक्वल टू 1, तो कुछ भी नहीं करते। टाइम टी इज इक्वल टू 0 पर आपने एक्स की वैल्यू क्या निकाली है, देखो जरा ये निकाली 25। अगर मैं 1 सेकंड पे निकालूं तो कितना आ जाएगा, 4 माइनस 15 प्लस 25 क्या जाएगा, तो 25 में से ये चला गया, तो आपकी जो वैल्यू बची वो बची आपकी 14, ठीक है। बात समझ रहे हो, कितनी बची 14। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले जो है ना इस पॉइंट पर जो है गाड़ी 14 ही बची है ना, ठीक है, ये आपका 10 और ये 4, ठीक है। इसका मतलब है कि पहले 25 मीटर पे होगी यहां से, अब जो है ये 10 मीटर पे आ गई यहां पर, फिर 0 मीटर पहुंच जाएगी, समझ गए। तो ये 14, तो बस कुछ भी नहीं करना आपको, x2 माइनस x1 ये करोगे तो एक सेकंड में इसने इतनी डिस्टेंस ट्रेवल कर ली, समझ गए, कितनी ट्रेवल कर ली, ये आप यहां से माइनस करोगे, ये आपका 11 मीटर इसने ट्रेवल कर ली। कैसे निकाला, ये आपका मान लो ये x इज इक्वल टू 0 पर है, ये आपका x इज इक्वल टू 1 पर है, तो x1 माइनस x0 कर दिया। अगर आपको निकालना है वेलोसिटी तो कैसे निकालोगे, वेलोसिटी बिटवीन टाइम टी इज इक्वल टू 0 एंड टाइम टी इज इक्वल टू 1, तो कैसे निकालोगे, डिस्प्लेसमेंट बिटवीन टाइम टी इज इक्वल टू 1 एंड 0 अपॉन t1 माइनस t0। तो बस कितना निकाला आपने, यहाँ की जो डिस्प्लेसमेंट हो गई वो होगी 11 और इसका जो टाइम हो गया वो होगा 1 सेकंड, तो आंसर आ जाएगा 11 मीटर पर सेकंड। इस तरह से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। आगे बढ़े। देखिए स्टूडेंट्स, अभी हम इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट करने वाले हैं, दैट इज इक्वेशन ऑफ मोशन, और अभी हम इसको प्रूव करेंगे, दैट इसके ऊपर न्यूमेरिकल करेंगे। देखिए इक्वेशन ऑफ मोशन को आप अलग अलग तरीके से प्रूव कर सकते हो, बट इंटीग्रेशन मेथड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है और एग्जाम के लिए भी सबसे ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। तो सबसे पहले इंटीग्रेशन के कुछ बेसिक रूल अगर आपने जरा भी नहीं पढ़ा है तो बता दें कि भाई देखो ये इंटीग्रेशन का साइन है। अगर आपसे कहा जाए कि आपको dt/dt का इंटीग्रेशन करना है, अगर यहां पर लिखा हुआ dt तो dt का इंटीग्रेशन हो जाता है t, अगर यहां पे लिखा होता du तो du का इंटीग्रेशन हो जाता u, समझ में। एक्चुअल में ये 1 का इंटीग्रेशन u के रेस्पेक्ट में हुआ है, क्लियर है ना। अभी देखो अगर आपसे कहा जाए कि आपने इस dt का इंटीग्रेशन किया और ये आ गया t, हालांकि t प्लस c लिखा होता है जो है आपका इंडेफिनेट इंटीग्रल में, बट अभी आप मान के चलिए t। नाउ अभी अगर आपसे कहा जाए कि dt का इंटीग्रेशन होता है t, तो अगर मैं यहां पर लिमिट लगा दूं कि a से लेके b तक लिमिट है, तो dt का इंटीग्रेशन हो जाएगा t। अब जो लिमिट है ना वो लिमिट पीछे पहुंच जाती है, तो इंटीग्रेशन करने के बाद हम लिमिट पुट करते हैं, कैसे कि भाई t के प्लेस पर पहले अपर लिमिट माइनस इसी t के जगह पे देन लोअर लिमिट, ये फॉर्मूला है। अभी देखो अभी आपको क्या करना है कि t dt का इंटीग्रेशन करना होता है, मान के चलिए a से लेके b, तो क्या करते हैं, इस t का इंटीग्रेशन होता है t स्क्वायर बाय 2, ठीक है। अगर ऐसा होता कि आपको b dv का इंटीग्रेशन करना होता तो इस b dv का इंटीग्रेशन होता b स्क्वायर बाय 2, यही यूज होंगे आज के इस वीडियो में। नाउ अभी इसके बाद जो लिमिट लगी होती है ना वो लिमिट पीछे रख जाती है, जैसे मान के चलो अगर यहां पे ऐसा होता कि t स्क्वायर बाय 2 और लिमिट लगी है a टू b, तो आप इसकी जगह क्या रखते, a टू b पहले आती अपर लिमिट तो t स्क्वायर बाय 2 माइनस, फिर आती, अच्छा t के प्लेस पर b रखते अपर लिमिट माइनस t स्क्वायर बाय 2 की जगह पर a स्क्वायर बाय 2 आ जाता, तो इस तरह से अपन इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा एक और जरूर रूल कि आप चाहें कि भाई u dt का इंटीग्रेशन करें, तो समझिए एक्चुअल में क्या है कि u जो है
यू, यू का इंटीग्रेशन टी के साथ ऐसे नहीं हो सकता, आपको इस यू को बाहर निकालना पड़ेगा, अब सिर्फ आप डी टी का इंटीग्रेशन कर सकते हैं। यू का इंटीग्रेशन तभी होता है जब पीछे डी यू लिखा होता है, समझ गए? तो आप यू को बाहर निकालेंगे और डी टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा टी, जो भी लिमिट होगी वो यहां पर पुट की जाएगी, समझे? तो बस ये बेसिक सा रूल है, आपको देख रहे हैं कि ये वीडियो में कैच हुआ या नहीं हुआ, हुआ। चलिए भाई, तो अभी हम आगे बढ़ेंगे, बेसिक रूल अपन ने समझ लिया, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना, रिवाइंड कर लेना, बैक कर लेना, ये आपको क्लियर हो जाएगा। अभी सबसे पहली जो इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ मोशन में एक्चुअल में हमारे पास तीन मेन इक्वेशन है, और ये फोर्थ वाली जो है एक्चुअल में फोर्थ इक्वेशन है, वो सेकंड का डिराइव्ड फॉर्म है। एक्चुअल में अगर कोई भी मोशन हो रहा है तो वो मोशन को प्रिडिक्ट कर सकते हैं हम, कि ये जो कार जा रही है वो 10 सेकंड के बाद रुक जाएगी, या 10 सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कितनी जगह, कितनी दूर जाकर के रुक जाएगी ब्रेक लगाने के बाद, ये सारी चीजें हम इक्वेशन ऑफ मोशन से जो है पता लगा सकते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को हमें डिराइव करना होता है, जो कि बी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। देखिए टाइम बचे हमारा, इसलिए हमने इसको ऑलरेडी करके रख दिया, बिकॉज वन शॉट में टाइम की जरूरत होती है। देखो अपन को b इज इक्वल टू यू प्लस ए टी ये प्रूव करना है, तो सबसे पहले आपको काम करना है कि मान के चलिए ये आपके पास एक कार है, ये t इज इक्वल टू जीरो पर ये कार आगे बढ़ी, और आफ्टर सम टाइम t इसकी वेलोसिटी u से बढ़ करके b हो गई, ये इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी है, और इसकी एक्सेलरेशन a हुई। क्लियर? तो हमने क्या किया, वी नो दैट, हम जानते हैं कि a एक्सेलरेशन इज इक्वल टू होता है dv बाय dt, तो हमने इस dt को इस साइड शिफ्ट कर दिया और dv ये बचा। अब क्या करना है, अब आपको दोनों साइड इंटीग्रेशन करना है, ये a dt इंटीग्रेशन किया, ये हो गया आपका dv। तो आपने क्या किया, बोथ साइड इंटीग्रेशन, बोथ साइड इंटीग्रेशन आपने यहां पर किया है। अब एक्चुअल में देखो, यहां पर देखो dt है ना, तो लिमिट अपन इसके हिसाब से लगाएंगे, तो देखना टाइम कहां से स्टार्ट हो रहा था, बोला 0 से लेके t तक, तो आपने यहां पे लिमिट लगा दी 0 से लेके t तक। अब यहां पे देखो ये dv लिखा हुआ है, dv dv, तो लिमिट दैट मींस वेलोसिटी के हिसाब से लगाएंगे, तो u से लेके b तक, तो ये हो गया u से लेके b तक। अभी देखो a का इंटीग्रेशन नहीं होगा dt के रिस्पेक्ट में, है ना, टाइम के रिस्पेक्ट में, तो a को आपने बाहर निकाला है, dt का इंटीग्रेशन करेंगे, लिमिट रखो साथ में 0 टू t। यहां पर देखो, यहां पर देखो, यहां पर इंटीग्रेशन करेंगे और लिमिट होगी u टू b। अब देखिए a तो बाहर है, dt का इंटीग्रेशन हो जाता है t, लिमिट आ गई पीछे 0 टू t, dv का इंटीग्रेशन हो गया b, लिमिट आ गई u टू b इसके पीछे। अभी क्या करोगे, a as it is, t अपर लिमिट माइनस t के जगह पे लोअर लिमिट इज इक्वल टू, अभी देखो b, b के जगह पर अपर लिमिट माइनस v के जगह पे लोअर लिमिट हो गया, बस अभी आपने इसको रखा at is equal to v minus u, so v is equal to u plus at, ये आपका प्रूफ हो गया। अभी देखिए हमारे पास सेकंड इक्वेशन को हमें प्रूफ करना है, तो देखो सेकंड इक्वेशन एक्चुअल में होती क्या है, कि अगर आप मान के चलिए यहां से स्टार्ट कर रहे हैं और एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम के बाद आपकी वेलोसिटी v हो गई, एक्सेलरेशन a आ गई, तो इतने टाइम में आपने जो है कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, इसके लिए हमें सेकंड इक्वेशन की हेल्प लेनी होती है। तो जैसे मान के चलिए आपके पास क्या है कि भाई हम जानते हैं b इज इक्वल टू डी एस बाई डी टी होता है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद चेंज इन टाइम। तो देखो ध्यान से देखना, b इज इक्वल टू डी एस बाई डी टी होता है, आपने यहां पर क्या किया, आपने यहां पर इस डी टी को इस साइड भेज दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो b यहां पर हो गया बी डी टी और यहां पर हो गया डी एस लिखा हुआ। अब इसके बाद आपने दोनों साइड इंटीग्रेशन कर दिया, इस ds का इंटीग्रेशन, और यहां पर देखो आपने इस v के प्लेस पर रख दिया u plus at, जो कि अपनी फर्स्ट इक्वेशन है, v के जगह पर आपने रखा u plus at और dt as it is लिखा हुआ है। अभी आपको क्या करना है कि ds, इस ds v की आपने जो है यहां पर लिमिट्स पुट की, मान के चलिए यहां पर जो डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो है डिस्टेंस, और यहां पर कुछ समय के बाद इसने जो डिस्टेंस ट्रेवल कर ली दैट इज s, तो यहां पर जो लिमिट्स होंगी वो होंगी जीरो से लेकर के s तक। अभी आपने क्या किया, इस u का इंटू डी टी से, तो यू डी टी हो गया प्लस ए टी का इंटू इस यहां से, है ना, तो दोनों साइड इंटीग्रेशन करें और यहां पर आप इस तरह से लगा दें इंटीग्रेशन साइन। नाउ अभी देखो u डी टी है ना, u डी टी, तो आपने डी टी के रिस्पेक्ट में लिमिट ले ली जीरो से लेकर t तक, ये ए टी डी टी है तो आपने जीरो से लेकर t तक लिमिट ले ली। अभी देखो डी एस का इंटीग्रेशन हुआ, क्या आ गया s, और लिमिट जो थी वो पहुंच गई पीछे, पहुंच गई। अब देखो u निकल गया बाहर, क्योंकि u का इंटीग्रेशन टाइम के साथ नहीं हो सकता, अब ओनली dt का इंटीग्रेशन होगा जीरो से t के रिस्पेक्ट में, लिमिट्स हैं। अब इसी तरह से a निकल गया बाहर और अकेला t का इंटीग्रेशन टाइम के रिस्पेक्ट में होगा, लिमिट्स हैं जीरो टू t। अभी देखिए यहां पर एज इट इज रखा मैंने, इसके बाद u, dt का इंटीग्रेशन होता है t और लिमिट पहुंच जाती है पीछे प्लस a, ये रहा। अब देखिए t का इंटीग्रेशन, बात सुनिए जरा, t का इंटीग्रेशन जो है वो होता है टी स्क्वायर बाय टू और लिमिट पहुंच जाती है पीछे, पहुंच गए ना। अभी आप ये देखो s माइनस जीरो,
क्लियर है ये एज इट इज। देखो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इज इक्वल टू, ये देखो u, ये क्या है अपर लिमिट, तो यहां पर जरा चेक करो t के प्लेस पर, ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट प्लस, ये देखो a, t स्क्वायर बाय 2 है तो पहले t के प्लेस पर अपर लिमिट माइनस t के प्लेस पर लोअर लिमिट ये रखा और आपके ये इक्वेशन प्रूव हो गया। देखो s माइनस s s ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर ये प्रूव हो गई। अभी हम आएंगे इक्वेशन नंबर थर्ड की ओर। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में हमें प्रूव करना होता है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस। जैसे मान के चलिए अगर आपके पास कोई एक कार है, अभी इसकी जो वेलोसिटी है वो यू है, टाइम टी इज इक्वल टू जीरो है और यहां पर जो डिस्प्लेसमेंट है वो एस इज इक्वल टू जीरो है, क्लियर है। अब इसके बाद कुछ टाइम के बाद इसकी वेलोसिटी वी हो जाएगी, इस वेलोसिटी को हमें निकालना है और यहां पर जो उसकी डिस्प्लेसमेंट है मान के चलिए एस हो गई, क्लियर है। तो ये कहा जा रहा है कि किसी एक फिक्स्ड पोजीशन पर किसी भी पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी अगर उसने इनिशियल वेलोसिटी यू से स्टार्ट किया है और कुछ एक्सेलरेशन उसके साथ हो रही है, दैट इज ए। तो अब हमें इस इक्वेशन को प्रूव करना है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि लेट्स से आप जानते हो कि ए इज इक्वल टू होता है डी वी बाय डी टी, क्लियर है, dv by dt। लेकिन अगर अपन इसको सॉल्व करेंगे ना तो कभी भी हमारे आंसर में ये नहीं आ सकता v square is equal to u square plus 2as। तो इसे मतलब इसको थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का फॉर्म देने के लिए हमने यहां पर क्या किया, ds का इंटू ऊपर और ds का इंटू नीचे, कर सकते हैं वैलिड है। तो ds का इंटू ऊपर ds का इंटू नीचे क्या न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर में। अभी देखो एक्चुअल में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि भाई ds by dt, ds by dt जो होता है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद चेंज इन टाइम होता है वेलोसिटी, ठीक है, और dv ऊपर लिखा रह गया ds नीचे लिखा रह गया एज इट इज। अभी हमने क्या किया कि इस ds को भेजा इस साइड तो ये बन गया ads और v dv ऊपर ही लिखा रह गया। अभी हमने इसके साथ साथ यहां पर दोनों साइड इंटीग्रेशन कर दिया तो देखो यहां पर इंटीग्रेशन यहां पर इंटीग्रेशन। अब लिमिट जो है पुट करेंगे, जैसे मान के चलिए ये s ds लिखा है तो यहां पर 0 टू s, यहां पर देखो dv लिखा है मतलब वेलोसिटी, तो वेलोसिटी की लिमिट कहां से कहां तक, इनिशियल वेलोसिटी से लेके फाइनल वेलोसिटी। अभी देखो a का इंटीग्रेशन s के रिस्पेक्ट में नहीं हो सकता तो a को निकाला बाहर, ds को जो है इंटीग्रेट करेंगे, लिमिट है 0 टू s। अब देखो वेलोसिटी का इंटीग्रेशन वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में हो सकता है तो उसको अंदर ही रखा छोड़ा और लिमिट आ गई u टू v। अभी देखो a तो एज इट इज, ds ds का इंटीग्रेशन हो जाएगा s और लिमिट जो है पहुंच जाएगी पीछे, v का इंटीग्रेशन होगा v स्क्वायर बाय 2 और लिमिट पहुंच जाएगी पीछे, क्लियर। अब देखो यहां पर अपर लिमिट माइनस s के प्लेस पर लोअर लिमिट इज इक्वल टू अपर लिमिट, v के जगह पर अपर लिमिट तो v स्क्वायर बाय 2 माइनस v के जगह पर लोअर लिमिट तो u स्क्वायर बाय 2। यहां पर आपने इसका क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो आपको देखो क्या, अच्छा क्रॉस मल्टीप्लाई बाद में कर लेते हैं। देखो ये आपका बन गया ए एस is equal to v square by 2 minus u square by 2, इसका LCM ले लिया। अब इस 2 को इस साइड भेज दिया तो बच गया ये आपके पास 2as और v square minus u square एक साइड, तो v square की जो वैल्यू है ये आ गई आपके पास u square plus 2as, क्लियर हो गया। नाउ अभी इसके बाद एक इक्वेशन और रह जाती है जिसको हमें जो है डिराइव कर लेना चाहिए फॉर nth सेकंड, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम आगे बढ़ेंगे। अभी हम पहुंच चुके हैं हमारी सो कॉल्ड इक्वेशन नंबर फोर्थ के ऊपर। यहां पर क्या होता है, जैसे मान के चलिए कि आपको यदि किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर, जैसे मान के चलिए 8th सेकंड पर या 6th सेकंड पर या 5th सेकंड पर डिस्टेंस ट्रेवल्ड निकालनी है तो आप क्या करेंगे, जो आपकी फोर्थ इक्वेशन जिसको हम कहते हैं आप इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। तो ये क्या है कि भाई ये आपके nth सेकंड पर जो इक्वेशन है किसी एक पर्टिकुलर सेकंड पर जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है उसके लिए ये यूज होती है। तो हमें इसको प्रूव करने के लिए यहां से स्टार्टिंग करनी होती है सेकंड इक्वेशन का मॉडिफाइड फॉर्म। तो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर होता है। यहां पर सबसे पहले जैसे मान के चलिए कि आपको 7th सेकंड की कैलकुलेशन करनी है तो आप एक काम करें 8th सेकंड की जो डिस्टेंस है उसमें से माइनस कर दे 7th सेकंड की डिस्टेंस, तो आपको जो है ना एक सेकंड का जो एग्जैक्ट हिसाब है वो मिल जाएगा। तो देखिए यहां पर क्या होता है, सबसे पहले निकाले फॉर nth सेकंड, तो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर लिखा, यहां पर t के जगह पे पहले n पुट करें, देखे ना फॉर nth सेकंड u n प्लस हाफ a t के t स्क्वायर की जगह आपने लिखा n स्क्वायर। सिमिलरली अब आप क्या करें n माइनस 1 सेकंड के लिए निकालें, तो s n माइनस 1 n के प्लेस पर या कहूंगा t के प्लेस पर n माइनस 1 पुट करें आप प्लस हाफ a t स्क्वायर के जगह पर n माइनस 1 का होल स्क्वायर। इक्वेशन नंबर सेकंड को इक्वेशन नंबर फर्स्ट से सबट्रैक्ट कर दें, तो फर्स्ट वाली इक्वेशन ये रही, इसमें से माइनस किया
सेकेंड वाली इक्वेशन। देखो यू एन माइनस वन प्लस हाफ ए एन माइनस वन का होल स्क्वायर को आपने ओपन कर दिया। इसके बाद अगले स्टेप में यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर एज इट इज माइनस एन लगा है, इसका आपने इंटू किया यू एन आ गया, यू का इंटू वन से माइनस यू आ गया, प्लस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस हाफ ए का इंटू टू से टू एन से, तो हाफ ए इंटू टू एन प्लस हाफ ए, हाफ ए का इंटू वन से हुआ। क्लियर? नाउ अभी हम आगे बढ़ेंगे और यहां पर देखो, यहां पर देखना यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस, माइनस के कारण यहाँ के अंदर के साइन चेंज हो गए, तो ये यू एन प्लस का था माइनस का हो गया, यहां पर ये प्लस का हो गया, फिर ये प्लस का था माइनस का हो गया, ये माइनस का था प्लस का हो गया, टू से टू कैंसिल कर दिया ना, और ये आपका ये बचा, समझ रहे हो? अच्छा अच्छा ठीक है, एक गड़बड़ हुई यहाँ पे, देखो ये माइनस का है तो यहां पर आकर के अच्छा साइन चेंज होंगे, तो यू एन माइनस का हो गया, ये प्लस का हो गया, ये माइनस का हो गया, ये प्लस का हो गया, और ये माइनस का हो गया। अब ठीक है ये नाउ अभी क्या करेंगे, एस एन माइनस वन जो बन के आया है इसको हमने सॉल्व किया, तो देखो यहां से ये कैंसिल हो रहा है, यहां से ये कैंसिल हो रहा है, तो आपके पास जो बच रहा है वो ये है यू प्लस ए एन माइनस हाफ ए। बस आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा यू प्लस, इन दोनों का ए कॉमन आ गया, ए कॉमन आ गया, और उसके बाद आपने इसका एलसीएम दिया तो ये बच गया टू एन माइनस वन और अपॉन में आ जाएगा टू। तो ये आपने जो इक्वेशन प्रूव कर दी, दिस इज फॉर nth सेकंड, दिस इज फॉर nth पर्टिकुलर सेकंड। तो इस तरह से ये इक्वेशन हो जाएगी। अब इन पर जो न्यूमेरिकल्स बनते हैं वो न्यूमेरिकल्स कैसे होंगे इस पर थोड़ा सा हम नजर डालते हैं। नाउ इक्वेशन ऑफ मोशन के हम क्वेश्चन करेंगे, जो उसके जो बेसिक की पॉइंट होते हैं उन क्वेश्चन को हम निपटा देते हैं। अभी देखिए जो सबसे पहली चीज आपको ध्यान देनी है इन क्वेश्चन में वो ये है कि कभी भी किसी भी क्वेश्चन में कहा जाए कि सर स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट या इफ मोशन स्टार्ट्स फ्रॉम द रेस्ट, तो उस केस में कंडीशन क्या है कि कार पहले या ऑब्जेक्ट पहले रेस्ट में था देन इसने मोशन स्टार्ट किया है। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट जब भी लिख क्या है उस केस में इनिशियल वेलोसिटी जीरो होती है, तो हमेशा यूज इक्वल टू जीरो पुट करना है उस क्वेश्चन में। कहा जाए ब्रेक्स आर अप्लाइड, तो अगर ब्रेक अप्लाई कर दिए जाएंगे तो फाइनली कार रुक जाएगी, तो इफ ब्रेक्स आर अप्लाइड तो भाई v इज इक्वल टू आपको जीरो लेना है। इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। चलिए तो अभी हम समझेंगे, दिमाग लगाना होता है कौन सी इक्वेशन से अपना काम चल जाएगा। तो देखिए जरा, एक कार एक्सेलरेट्स फ्रॉम द रेस्ट, एक्सेलरेट्स फ्रॉम द रेस्ट यानी कि पहले कार रेस्ट में थी तो आपने यहां पे लिख दिया u इज इक्वल टू जीरो, 250 मीटर पर सेकंड यानी कि एक्सेलरेट रेस्ट से एक्सेलरेट होते हुए और इसकी वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकंड पर पहुंच गई, तो v की वैल्यू आपको गिवन है 50 मीटर पर सेकंड इन 25 सेकंड, और इतना इसने अचीव कर लिया कितने सेकंड में, 25 सेकंड में। तो अभी कह रहा है अज्यूमिंग यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन दिस टाइम, मतलब अपने सेकंड इक्वेशन डिराइव की थी ना, उसमें भी तो ये कहा था कि एक फिक्स टाइम में अगर आपको डिस्टेंस ट्रेवल्ड कैलकुलेट करना है तो आपको सेकंड इक्वेशन लगाओ तो आराम से काम बन जाएगा। लेकिन सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का फॉर्मूला होता है हाफ मतलब यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ ए टी स्क्वायर। अब आपके पास सब कुछ तो है, ये निकालना ये है ये है ये है ये है, लेकिन सॉरी ए नहीं है अपने पास, तो ए के लिए क्या करोगे, तो आप पहले ए कैलकुलेट कर लो, कैसे, बोला बी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो बी अपने पास गिवन है कितना 50 और यू हमारे पास नहीं है 0 और ए अपने पास निकालना है, टी हमारे पास है 25 सेकंड। तो यहां से अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं तो ये आ गया मेरा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन, कितनी आ गई 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन ये हो गई। क्लियर है ये बात, हुई समझ गए बात को, तो एक्सेलरेशन की ये वैल्यू हुई। तो यहां पर मैं वैल्यूज पुट करूंगा मेरा आंसर आ जाएगा एस इज इक्वल टू यू की वैल्यू है 0 प्लस यहां पर हाफ ए की वैल्यू है 2 और टी स्क्वायर अगर मुझे करना है तो 25 का स्क्वायर हो जाएगा, तो यहां से कैंसिल हो गया। दैट मीन जो कार जो 0 से स्टार्ट हुई थी ये 625 मीटर जो है ट्रेवल कर जाएगी। 25 का स्क्वायर कितना होता है 625 मतलब 625। क्लियर हो रही है इतनी बात, तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी डिस्टेंस की, इतने टाइम में ये डिस्टेंस इतनी ट्रेवल कर लेगी। अभी हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमसे किस तरह से पूछा जाता है उस पर पहुंचेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें दिया हुआ है दैट इज कि ए बुलेट ट्रेवलिंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 16 मीटर पर सेकंड, एक बुलेट है 16 मीटर पर सेकंड से आगे बढ़ रही है, ये जाकर के एक ट्री ट्रंक में यानी कि पेड़ के तने में जो है पेनिट्रेट करती है, ठीक है, ये बुलेट जा रही है 16 मीटर पर सेकंड से ये जो है स्पीड में है, और इस बुलेट के जो है पेड़ के अंदर घुसते ही कुछ टाइम के बाद ये 0.4 मीटर तो ट्रैवल कर जाती है बट इट कम्स टू द रेस्ट, ये जाकर के रुक जाती है, मतलब फाइनली इसकी वेलोसिटी जीरो हो गई।
इन 0.4 मीटर फाइंड द टाइम टेकन ड्यूरिंग रिटार्डेशन। जैसे आप समझ रहे हो ना कि इसकी वेलोसिटी कम हो रही है तो उसका मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन हो रही है, जिसको हमने कहा रिटार्डेशन। तो आपको इस रिटार्डेशन के दौरान जो जो टाइम लगा उसको कैलकुलेट करना है। दैट मींस यहां से यहां तक 16 मीटर पर सेकंड से 0 मीटर पर सेकंड तक पहुंचने में जो टाइम लगा वो टाइम आपको कैलकुलेट करना है। तो बड़ी ही सिंपल सी बात है। आपको क्या क्या गिवन है तो आप देखिए, आपको क्या क्या गिवन है। आपको गिवन है वी, फाइनल वेलोसिटी 0 हो रही है, इनिशियल वेलोसिटी 16 मीटर पर सेकंड है। इसके बाद जो है यहां पर, इसके बाद यहां पर जो डिस्प्लेसमेंट है वो है 0.4 मीटर। तो अभी हम आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ने पर हमें क्या निकालना है, टाइम निकालना है। तो एक काम करते हैं कि हमारे पास यू है, बी है और ये एस है, ए और निकाल दो काम बन जाएगा। तो आपने यहां पर रखा भाई वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो यहां पर जो है फाइनल वेलोसिटी इसका 0, यू कितना है भाई 16, तो 16 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 इनटू ए की वैल्यू हमें नहीं पता, एस हमें पता है 0.4 है। तो यहां पर ये आपका -256 हो जाएगा, इसको इस साइड ले जाओगे ना तो आपका ये 2 इनटू 0.4 कितना हो जाएगा 0.8, अच्छा 0.8 और ये दिया हुआ ए, ठीक है। अभी आप एक काम करें, 256 लिखा हुआ यहां पर 0.8 को भेज दें, तो ये आपका एक्सेलरेशन, ये आपका एक जीरो ऊपर पहुंच जाएगा। तो आप इसको कैंसिल करोगे, 8 3 = 24 और 8 2 = 16, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई 32 मीटर पर सेकेंड, बट दिस इज नेगेटिव है ना, ये नेगेटिव में है तो ए की वैल्यू निकल के आ गई। अभी आप क्या करें, अभी आप यहां पर बड़ा ही सिंपल सा जो फॉर्मूला है उसमें अपनी वैल्यूज पुट कर दें, बी इज इक्वल टू यू प्लस एटी। तो अगर आप इस फॉर्मूले वैल्यू पुट करेंगे तो आपको डायरेक्ट रिजल्ट मिलेगा कि भाई वी कितना है, वी 0 है, यू कितना है, यू 16 है, प्लस ये आपका -32 ए की वैल्यू और टाइम आपको निकालना है। सो दिस विल बी योर 16, ये देखो 32 टी एक साइड कर दिया, 16 एक साइड कर दिया, तो यहां से कैंसिल हो जाएगा, टी की वैल्यू आ जाएगी 0.5 सेकंड। तो इसका मतलब आधे सेकंड में ही इसकी वेलोसिटी यहां से इतनी हो जाएगी। समझ आ रहा है ना। चलिए ये अपना क्वेश्चन हुआ, अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, क्लियर है। चलिए इसी तरह से क्वेश्चन और भी बनते रहेंगे, बस आपको जो मेन पॉइंट है यू कहां लगाना है, बी कहां, ए कहां, इस तरह से कैलकुलेट करते चलना है। आगे बढ़े नाउ। तो स्टूडेंट्स अभी हम पढ़ने वाले हैं मोशन अंडर ग्रेविटी। मोशन अंडर ग्रेविटी क्या होता है एक बार हम इसको जान लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये मार्कर है, अगर मैं इसको ऊपर लेके जा रहा हूं या नीचे लेके आ रहा हूं, ऊपर लेके गया नीचे लेके गया, ये टोटली मेरे ऊपर है कि मैं इसको किस स्पीड से ऊपर या किस स्पीड से नीचे लेके आ रहा हूं। बट जब मैं इस मार्कर को छोड़ देता हूं तो जैसे ये मार्कर मेरे हाथ से छूटता है ये ग्रेविटी के हाथ में पहुंचता है। दैट मींस इसका कंट्रोल मेरे हाथ से निकल करके अब ग्रेविटी के पास पहुंच जाता है। तो जब कोई मोशन ग्रेविटी कंट्रोल करे है ना, उस पर हमारा कोई एक्सटर्नल इफेक्ट ना हो, उस मोशन को कहा जाता है मोशन अंडर ग्रेविटी। जब हम 11th क्लास पढ़ते हैं, जेई नीट के लिए प्रिपरेशन करते हैं, तो ज्यादातर केस में हम एयर रेजिस्टेंस वगैरह को हम नेगलेक्ट कर देते हैं, तो प्योर मोशन अंडर ग्रेविटी हम स्टडी करते हैं। देखिए मोशन अंडर ग्रेविटी में आपको कुछ बहुत ज्यादा छोटी चीजें हमें समझनी होती हैं, जो कि आपको की पॉइंट है। अगर आप ये समझ गए तो कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए आप इसको आराम से कर पाओगे। देखिए अगर मैं आपसे कहूं कि इसमें जो क्वेश्चन बनते हैं वो किस तरह से बनते हैं, कि बेसिकली आप 11th क्लास में हो तो आपको चार टाइप के क्वेश्चन से काम आपका पूरा हो जाएगा। लेकिन फिर भी अगर आपको बड़ी वीडियोज ही देखनी है तो मैंने 1.25 घंटे का इस पर अलग से लेक्चर लिया हुआ, उसमें हमने काफी सारे केसेस को डिस्कस किया हुआ, बड़ी शॉर्ट वीडियो है। नाउ तो अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि जैसे मान के चलिए आपने एक बॉल को फेंका एक टावर पे खड़े होके, अब ये बॉल ऊपर गई, आपने तो छोड़ दी ना, तो अब ये प्योर मोशन अंडर ग्रेविटी होने वाला है। अब आपने इस बॉल को फेंका, ये बॉल ऊपर तक गई, तो टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट, ये बॉल ऊपर गई, अब ये बॉल और ज्यादा ऊपर नहीं जा रही है, तो उस हाइट को हमने मैक्सिमम हाइट बोला। तो भाई मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने का जो टाइम है ना, उसको अगर आपको कैलकुलेट करना है तो आप डायरेक्ट लगाएंगे बी इज इक्वल टू यू माइनस जी टी। जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। याद रखिए इसमें कुछ बेसिक सी बातें हैं। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में कुछ जो वेक्टर कंपोनेंट होते हैं हम उसको पॉजिटिव या नेगेटिव लेते हैं। कैसे, जैसे मान के चलिए ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है अर्थ का किसी भी ऊपर जाने वाली चीज को वो हमेशा नीचे खींचता है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो डायरेक्शन होगा वो हमेशा नीचे होगा, चाहे बॉडी ऐसे जाए या फिर ऐसे जाए, समझे। तो हम एक ही प्लेस पर हमेशा माइनस जी रखेंगे, जी विल बी ऑलवेज नेगेटिव। अब वेलोसिटी अगर आपने इनिशियली ऊपर दी है ऊपर, तो आप इसके लिए पॉजिटिव साइन लेंगे। डिस्प्लेसमेंट अगर ऊपर है तो पॉजिटिव साइन लेंगे, जबकि अगर यही दोनों नीचे हैं तो नेगेटिव साइन लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं ना हो। अभी इसमें जो है तीन इक्वेशन होती है, v = u + at,
तो एक ही जगह पर माइनस जी पुट करने पर बनता है बी इज इक्वल टू यू माइनस जी टी। तो अगर आपने एक बॉल को फेंका तो क्योंकि हम स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे हैं तो बॉल को आप फेंकोगे तो ऐसे और वो लौट के भी इसी पाथ पर आएगी, लेकिन दिखाने के लिए हम चीजों को ऐसे बता देते हैं कि बॉल को आपने ऐसे फेंका और ये बॉल ऐसे लौट के आ रही है। तो ये आप ऐसा मत समझना बोले सर ये तो पैराबोलिक मोशन नहीं, हम स्ट्रेट लाइन मोशन पढ़ रहे हैं, बट डायग्राम जो है इस तरह से दिखा देते हैं कि बॉल गई और ये इस तरह से लौट के आ गई। समझ आई? नाउ आगे बढ़ेंगे। तो देखो इसमें कुछ फैक्टर्स हैं जो आपको ध्यान देने हैं। पहली चीज, अगर आप यहां से एक बॉल को फेंक रहे हैं मोशन अंडर ग्रेविटी में, तो जितना टाइम इसको ऊपर जाने में लगा, ऊपर जाने का टाइम दैट विल बी इक्वल टू नीचे आने का टाइम। तो यहां से ग्राउंड से जितना टाइम इसको ऊपर जाने में लगा, लेट्स से 2 सेकंड, तो 2 सेकंड इसको नीचे आने में लगेंगे, कोई बड़ी बात नहीं। आगे बढ़ेंगे, जैसे मान के चलिए आपने इसको यहां से फेंका और ऊपर जाने में इसको लगे 3 सेकंड, तो वापस यहां तक आने में, इस लेवल तक आने में इसको 3 सेकंड लगेंगे, ये टाइम एडिशनल होगा। समझ रहे हो? आगे बढ़ेंगे। तो अगर आपसे कहा जाए कि जब आप मैक्सिमम हाइट पर पहुंच जाते हो, मैक्सिमम हाइट पर जब हम जाते हैं तो मैक्सिमम हाइट पर जो वर्टिकल वेलोसिटी हो जाती है वो जीरो हो जाती है। क्यों? क्योंकि जब आप मैक्सिमम हाइट पर पहुंच ही गए, मैक्सिमम हाइट का मतलब क्या, अब आप और ऊपर नहीं जा पा रहे हो, तो और ऊपर नहीं जा पा रहे क्यों, क्योंकि आपकी वर्टिकल वेलोसिटी जीरो हो गई। तो मैक्सिमम हाइट पर वर्टिकल वेलोसिटी जीरो हो जाती है। आगे हम बढ़ेंगे, तो जब भी आपको निकालना है कि ऊपर जाने में कितना टाइम लगा, मैक्सिमम हाइट तक जाने में कितना टाइम, फर्स्ट इक्वेशन, मैक्सिमम हाइट कितनी है, थर्ड इक्वेशन लगाओ, मैक्सिमम हाइट कितनी है, थर्ड इक्वेशन। अब इसके बाद आपने कहीं से भी बॉल को फेंका, चाहे ग्राउंड से तो वापस ग्राउंड तक आने में, टावर से बॉल जो है ग्राउंड तक आने में, तो टाइम टू रीच द ग्राउंड के लिए आपको सेकंड इक्वेशन लगानी है। अगर आपको कंडीशन मिल जाए वेयर विल बॉल मीट, बॉल जो है कहां पर मिलेंगे, एक बॉल को आपने ऊपर से ड्रॉप किया, एक बॉल को नीचे से फेंका, तो दोनों बॉल जो है कहां पर जाकर टकरा जाएंगी, इसके लिए भी आपको सेकंड इक्वेशन से इक्वेशन बनानी पड़ती है। तो एक बार फिर कहूंगा, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन टाइम टू रीच द मैक्सिमम हाइट, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बोलो मैक्सिमम हाइट की वैल्यू निकालने के लिए, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन आपको टाइम टू रीच द ग्राउंड, ठीक है। और ये कन्वेंशन आपको ध्यान रखने हैं। तो मान के चलिए कि मेरे पास क्वेश्चन कुछ इस तरह से दे दिया गया, ऊपर जाने का टाइम इज इक्वल टू नीचे आने का टाइम। क्वेश्चन मान के चलो मेरे पास कुछ इस तरह से दे दिया गया, लेट से यहां पर आपने एक बॉल को 20 मीटर पर सेकंड से फेंका, एक 25 मीटर के टावर पे खड़े होकर आपने एक बॉल को 20 मीटर पर सेकंड से फेंका, ऑब्वियसली ऊपर, तो आप ऊपर फेंका ना, इनिशियली आपने बॉल की वेलोसिटी ऊपर दी, तो याद रखना यू की वैल्यू आप प्लस 20 लोगे 20 मीटर पर सेकंड, बस समझ रहे हो। नाउ डिस्प्लेसमेंट, बॉल ऊपर जा रही है तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आप प्लस में लोगे और प्लस में आएगी निकल के, समझ रहे हो, बात को क्लियर करते हैं। नाउ तो अभी आपको जो है इसमें तीन क्वेश्चन पूछता हूं मैं आपसे, और इन तीनों की कैलकुलेशन तो करेंगे लेकिन कॉन्सेप्ट भी समझेंगे। नाउ है ना, देखो मान के चलो आपने एक टावर जो है, आप टावर पे खड़े होके 25 मीटर के टावर पे खड़े होके आपने एक बॉल को फेंका, ये बॉल यहां तक पहुंच गई, ठीक है। थोड़ा सा जो है डायग्राम को मैं और साफ बनाऊं तो बॉल जो है यहां तक पहुंच गई। अब इसके बाद ये बॉल जो है, ये इसकी मैक्सिमम हाइट हो गई, तो अब ये बॉल जो है नीचे लौट के आएगी, ये बॉल नीचे लौट के आएगी, ग्राउंड पर जाकर के हिट करेगी। नाउ अभी देखो, अभी कंडीशन क्या है कि मैंने आपसे पहला क्वेश्चन पूछा, टाइम टू रीच द मैक्सिमम हाइट, ऊपर पहुंचने में इसको कितना टाइम लगा होगा, तो जैसे सुना बोला ऊपर पहुंचने का टाइम, बोला फर्स्ट इक्वेशन मोशन बी इज इक्वल टू यू माइनस जी टी, तो v ऊपर जब पहुंच गई ना, ये मैक्सिमम हाइट पर पहुंचने में कितना टाइम, तो मैक्सिमम हाइट पर तो वर्टिकल वेलोसिटी जीरो हो जाती है, फाइनल वेलोसिटी, तो भाई देखो u तो इसको इसके पास थी प्लस 20 माइनस, अब g की वैल्यू कितनी है, भाई g की वैल्यू आप ले लें 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और टाइम जो हमें कैलकुलेट करना है, तो आप यहां से देखेंगे तो ये प्लस 10t हो जाएगा इज इक्वल टू 20 हो जाएगा, तो t जो आ गया वो आ गया अपने पास 2 सेकंड, इसका मतलब इसको ऊपर जाने में जो है 2 सेकंड लगेंगे, 2 सेकंड, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, जो सेकंड है वो आपके पास है मैक्सिमम हाइट, आपको कैलकुलेट करना है कि ये कितनी मैक्सिमम हाइट तक ये पहुंचेगा, कितनी मैक्सिमम हाइट तक, तो आप मैक्सिमम हाइट के लिए क्या लगाओगे, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, तो आप यहां पे लिखें मैक्स हाइट, ठीक है, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gs, एस मतलब है इसकी जो हाइट है, ठीक है ना। अब देखो बी स्क्वायर, ऊपर पहुंचने पर वर्टिकल मतलब फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी जीरो, तो जीरो स्क्वायर, यू स्क्वायर की वैल्यू क्या है, यू कितना है, यू है आपका 20 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू, जी की वैल्यू है 10, एस की वैल्यू हमें निकालनी है, तो आप यहां पर देखो बोला 20 स्क्वायर इज इक्वल टू आपका ये 20, ये माइनस का हो जाएगा, तो मैं इसको इस साइड लिख देता हूं 20
ये एस इस साइड प्लस का आके और ये 400 ऐसे लिखा हुआ है, तो यहां से कैंसिल होगा तो एस की वैल्यू आ जाएगी 20 मीटर, यानी कि ये 2 सेकंड लगेंगे इसको ऊपर पहुंचने में, और इतने 2 सेकंड में ये 20 मीटर जो है ट्रेवल या 20 मीटर कवर कर लेगा, तो 20 मीटर तक ये बॉल ऊपर चली जाएगी। तीसरा जो पॉइंट है वो क्या है कि भाई टाइम टू रीच द ग्राउंड, ग्राउंड पर पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, तो उसका मतलब पहले ये बॉल ऊपर गई फिर ये बॉल नीचे आई, एक्चुअल में ये बॉल कहां है, ये बॉल यहां से ऊपर गई होगी फिर ये बॉल नीचे आ गई, मतलब यहां से बॉल ऊपर गई फिर ये बॉल नीचे आ गई। इसका मतलब क्या हुआ, एक्चुअल में जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितनी हो रही है, 25 मीटर डिस्प्लेसमेंट हो रही है ना भाई। ये बॉल ऐसे नहीं बोला सर, ये थोड़ा ना डिस्प्लेसमेंट, ये तो हमने मोशन ऐसे दिखाया है, एक्चुअल में मोशन तो ऐसे हो रहा है ना, ये बॉल गई और वापस नीचे आई, तो इतना डिस्प्लेसमेंट है, बात समझ रहे हो। तो कंडीशन को क्लियर करते हैं अपन, कि अगर आपसे कहा जाए कि आपको निकालना है टाइम टू रीच द ग्राउंड, इसका स्क्रीनशॉट लो, तो अगर आपको ग्राउंड तक पहुंचने का टाइम निकालना है तो एक्चुअल में ये क्या है, इसने कितनी डिस्प्लेसमेंट की, बोला ये यहां पर थी इनिशियली बॉल, फाइनली यहां पर आ गई, तो उसने डिस्प्लेसमेंट जो ट्रेवल की या कवर की वो थी 25 मीटर, लेकिन किस साइड, नीचे की साइड, तो आपने इसको लिखा s इज इक्वल टू -25 मीटर, कितना s इज इक्वल टू -25, माइनस का 25 मीटर। आगे बढ़ते हैं, अगर मैं आपसे कह दूं यहां पर, अगर मैं आपसे कह दूं कि -25 हो गया, अब डिस्प्लेसमेंट जो है ना किसी और चीज पर डिपेंड नहीं करती, बोला क्या रास्ता है क्या कुछ है, नहीं, सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन, तो आपने ये आपकी इनिशियल पोजीशन है, ये फाइनल पोजीशन, s इक्वल टू -25 मीटर। अब देखो यहां पर आपने बॉल को कहां फेंका है, u इक्वल टू ऊपर की साइड, तो +25 ले लो, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, एक्सेलरेशन क्या होगा, माइनस जी, और टी हमें निकालना है बिकॉज टाइम टू रीच द मैक्सिमम ग्राउंड मैक्सिमम हाइट, सॉरी टाइम टू रीच द ग्राउंड। अब इसके बाद क्या करोगे, आप यहां पर वैल्यू पुट करो, एस इक्वल यू टी -1/2 gt². अब यहां पर जो एस है वो कितना है, -25 इज इक्वल टू ये आपका 20 इंटू टी कैलकुलेट करना है -1/2, और ये 10t² हमें निकालना है, इसको 5t² हो जाएगा ये आपका, चलो ठीक है। तो ये 25 ये माइनस का इज इक्वल टू 20t और ये आपका -5t². अब आप यहां से चाहें तो 5 कॉमन ले लें, तो ये यहां पर आ जाएगा आपका, यहां का जो है 5 कॉमन ले लिया तो ये बचेगा ओनली -5 इज इक्वल टू ये बचेगा 4t और ये बचेगा -t², ठीक है। तो अगर आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आपका इक्वेशन बनेगी t² -4t और ये आपका -5 इज इक्वल टू 0। आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे बिकॉज मैं इसको सॉल्व ऑलरेडी कर चुका हूं, तो आंसर जो मिलेगा दैट विल बी योर t इज इक्वल टू -1 सेकंड एंड t इज इक्वल टू आपका +5 सेकंड। फैक्टर्स करने के बाद आपको ये मिल जाएगा। तो भाई -1 सेकंड पॉसिबल नहीं होता टाइम नेगेटिव में, तो +5 सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। बताइए ये बात क्लियर हुई, तो इस तरह से आप क्वेश्चन को इनके कर पाएंगे। जैसे मान के चलो एक और क्वेश्चन मैं आपको देता हूं यहां पे, तो वो क्वेश्चन कैसे बनेगा आप इसका स्क्रीन शॉट ले सकते हो। देखो कैलकुलेशन वाला पार्ट आपके छोड़ दूंगा, बट जो कॉन्सेप्ट है उसको अपन क्लियर कर लेते हैं। मान के चलिए एक बॉल को अगर आपने ग्राउंड से फेंका होता, यहां से ये बॉल को आपने फेंका ऊपर, जैसे मान के चलिए 30 मीटर पर सेकंड से, तो मैंने कहा भाई ऊपर पहुंचने में इसको कितना टाइम लगा, तो आपने कहा v इक्वल टू u+80। जरा देखना है इसमें कुछ खास है, v इक्वल टू u+80, तो v जो है ऊपर पहुंचने पर इसकी जो मैक्सिमम वेलोसिटी वो 0 हो जाएगी, u कितना है +30, a मुझे पता है कितना है -10 और t मुझे निकालना है, तो t की जो वैल्यू आ जाएगी दैट विल बी योर 3 सेकंड, यानी कि ऊपर पहुंचने में उसको 3 सेकंड लगेंगे, समझ गए। नाउ आगे बढ़ेंगे, अगर आपसे कहा जाए कि ये कितनी मैक्सिमम हाइट तक पहुंचेगा, तो मैक्सिमम हाइट के लिए आप क्या निकालोगे, जरा देखना यहीं से आंसर आपका हो जाएगा। मैक्सिमम हाइट के लिए क्या निकालो, देखो अच्छा ऊपर पहुंचने में उसको 3 सेकंड का टाइम लगा, तो अब नीचे आने में भी कितना टाइम लगेगा, जरा सोचो, असेंडिंग टाइम ऑफ असेंडिंग, ऊपर जाने का टाइम विल बी इक्वल टू नीचे आने का टाइम, क्योंकि देखो इस बार क्या है, टावर पे थोड़ना से, टावर थोड़ना फेंकी है, ग्राउंड से फेंकी है, ग्राउंड से फेंकी टॉप हाइट पर 3 सेकंड लगे, टॉप हाइट से ग्राउंड पर आने में 3 सेकंड ही लगेंगे, तो टोटल इसका जो आंसर है वो आप 6 सेकंड डायरेक्ट देखते ही निकाल दोगे, और अपन इसको सॉल्व भी कर देंगे ना। मैक्सिमम हाइट अगर निकालना है, मैक्सिमम हाइट की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, तो v² इज इक्वल टू u² मतलब 30 का² -2 g × s, तो s आपको निकालना है, तो आपका ये हो जाएगा 900 और ये एक साइड हो जाएगा आपका 20s, तो ये यहां से जो है आंसर आ जाएगा आपका 0045 मीटर अप्रॉक्स, है ना, तो ये आपका अप्रॉक्स 45 मीटर आंसर आ जाएगा। तो अपन इसको जो है सॉल्व करेंगे, और फर्दर सॉल्व करने के बाद जो आपका आंसर ये बनने वाला है,
कितना 6 सेकंड आ जाएगा। आप इसको सॉल्व करके देखें, बिल्कुल आपके आपके ऊपर ये छोड़ देते हैं, एस इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। आप इसको सॉल्व करें, अदरवाइज देख के आपका आंसर मिलेगा टाइम ऑफ असेंडिंग विल बी इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंडिंग। क्लियर है? नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए एक इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, इसके बाद आप सारे क्वेश्चन बना लेंगे इसके। कहा जा रहा है कि टू बॉल्स आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, वन इज थ्रोन डाउनवर्ड एंड वन इज थ्रोन अपवर्ड, दोनों की वेलोसिटी जो है 20 मीटर पर सेकंड है। अगर ये बॉल जो है नीचे आ रही है तो मैं इसकी वेलोसिटी माइनस 20 मीटर पर सेकंड रखूंगा, ये ऊपर फेंका है तो उसको 20 मीटर पर सेकंड पॉजिटिव रखूंगा। कहा जा रहा है कि ये दोनों बॉल कहां जाकर के मीट करेंगे, बड़ी सिंपल सी बात। देखो तो लेट से मैंने कहां जाकर के मीट करेंगे, तो मैंने इसको ऑलरेडी बता चुका हूं कि सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से दो इक्वेशन बनाएंगे बन जाएगा। शॉर्ट ट्रिक भी है इसकी, मैं इसको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, बट अभी हम स्कूल के लेवल पर जो क्वेश्चन आपको जो सॉल्व करना है उसको बता रहा हूं। देखिए तो क्या करेंगे यहां पर कि मान के चलिए कि ये बॉल्स मान लो कि यहां पर जाकर के मीट कर रही हैं, करीब यहां पर, ठीक है। तो मैंने कहा ये जो नीचे वाली बॉल है तब तक पहुंच गई होगी ऊपर एक्स, और यहां से 40 मीटर का लंबा टावर है ना, तो ये आ गई होगी 40 माइनस एक्स। कितना? 40 माइनस एक्स। क्लियर है? चलिए तो अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले इक्वेशन बना लेते हैं, एक बार डाउनवर्ड के लिए एक बार अपवर्ड मोशन। तो डाउनवर्ड मोशन के लिए बात करें, एस इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर के लिए क्या करेंगे, तो आप देखो सिंपल सी बात, एस इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो देखो डिस्प्लेसमेंट कहां हो रही, नीचे कितनी नहीं थी, ऊपर वाली बॉल नीचे जो आ रही है तो कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई, तो नीचे की साइड है तो मैंने कहा माइनस 40 माइनस एक्स is equal to u, नीचे की साइड है तो मैंने इसको माइनस 20 लिया और ये t हो गया, माइनस हाफ g की जगह मैंने 10 पुट किया और ये t स्क्वायर हो गया। क्लियर है? अब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं तो ये आ जाएगा 40 माइनस का और x प्लस का, तो x माइनस 40 इज इक्वल टू माइनस 20t और ये आपका माइनस, ये यहां से कैंसिल होके 5t स्क्वायर हो जाएगा। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। अब मैं करता हूं फॉर अपवर्ड मोशन, अपवर्ड मोशन ऊपर वाले मोशन के लिए क्या करूंगा, देखो s इज इक्वल टू यू टी प्लस या फिर यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। क्लियर है? तो देखो s कितना, ऊपर की साइड मोशन हो रहा है तो प्लस x इज इक्वल टू, यहां पे देखो यू टी तो प्लस 20 इंटू टी माइनस, ये आपका हाफ जी टी स्क्वायर का, ये हो जाएगा आपका 10t स्क्वायर, तो यहां से कैंसिल होने के बाद ये 5 बचेगा। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं डायरेक्ट 5t स्क्वायर? बिल्कुल। तो ये हो गई इक्वेशन नंबर सेकंड। अपन एक काम करें कि यहां पर एक काम करते हैं कि फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को सबट्रैक्ट कर देते हैं, कोई भी कर लो। तो मान के चलो कि ऊपर लिखी हुई आपकी इक्वेशन फर्स्ट, तो ऐसा कर लेते हैं कि सबट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, ठीक है, या जो भी आपका मन करे ना हो। तो ऊपर लिखा मैंने x इज इक्वल टू 20t माइनस 5t स्क्वायर, ठीक है, ये आपकी हो गई। और ये लिखा हुआ है आपका x माइनस 40 और ये हो जाएगा आपका 20t, ये माइनस का है, ठीक है, माइनस का 20t और ये आपका माइनस का 5t स्क्वायर, ये लिखा हुआ है। अब मैं इसको जो सब्ट्रैक्ट करूंगा तो यहाँ पर साइन चेंज होंगे, ये आपका प्लस, ये आपका जो है प्लस हो जाएगा और ये आपका प्लस हो जाएगा, तो यहां से ये कैंसिल होगा, ये बचेगा प्लस का 40 इज इक्वल टू, ये बचेगा प्लस का 40t और ये बच जाएगा, मतलब ये वाली इक्वेशन लिखी है और ये वाली इक्वेशन लिखी है, ये हो जाएगा आपका, ये तो कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो गया, तो टी की जो वैल्यू आ गई, ये आ गई आपकी 1 सेकंड। कितनी आ गई? टी की वैल्यू आ गई आपकी 1 सेकंड। अब आप इस टी की वैल्यू को यहां पर पुट करें, टी की वैल्यू 1 सेकंड आ गई, इसका मतलब यह है कि 1 सेकंड के बाद ये मिल जाएंगे। अब आप इस इक्वेशन में टी की वैल्यू पुट कर दो, तो एक्स इज इक्वल टू 20 इंटू टी की जगह 1 रखा माइनस 5 इंटू टी का स्क्वायर, ये मैंने कर दिया। क्लियर है? तो एक्स इज इक्वल टू आपको मिल गया 15। इसका मतलब ये हुआ कि 1 सेकंड के बाद ये दोनों बॉल मीट कर जाएंगी, जब तक एक्स मतलब ये 15 मीटर ऊपर पहुंच गई होगी और ऊपर वाली बॉल 25 मीटर नीचे आ गई होगी। बस इतना सा काम आपको इसके अंदर करना है। क्या आपको ये बात क्लियर हुई? चलिए आगे बढ़ते हैं। सो गाइस अभी हम बात करेंगे रिलेटिव वेलोसिटी की, या फिर इसी को हम रिलेटिव मोशन कहते हैं। अगर मैं आपसे कहता हूं कि कोई भी जो वेलोसिटी है, कोई भी ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा है, उसकी वेलोसिटी कभी भी एब्सोल्यूट नहीं हो सकती। एब्सोल्यूट का मतलब है इंडिपेंडेंट नहीं हो सकती। जैसे मान के चलो अगर ये ट्री है, तो आपने कह दिया कि इस ट्री की जो वेलोसिटी है वो 0 है, सिर्फ इतना कह दिया आपने, तो ये स्टेटमेंट आपका गलत है, या आपने एब्सोल्यूट या इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट दिया। हाँ ये बात ठीक है, जो हम बोलते हैं वो अंडरस्टूड होता है। अच्छा देखो, तो मैं ये नहीं कह सकता इस ट्री की वेलोसिटी 0 है, मुझे ये कहना चाहिए कि अगर एक स्टेशनरी ऑब्जर्वर
अगर एक स्टेशनरी ऑब्जर्वर ग्राउंड पे खड़े होकर स्टेशनरी प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर ट्री को देखता है तो ये ट्री रुका हुआ नजर आएगा, तब मैं कहूंगा कि इस ट्री की जो वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू द स्टेशनरी मैन ऑन द ग्राउंड इज जीरो। लेकिन अगर इसी ट्री को कोई भी इंसान जाती हुई ट्रेन से जो फास्ट मूविंग ट्रेन से देखता है या फास्ट मूविंग कार से देखता है तो यही ट्री आपको पीछे की ओर जाते हुए नजर आते हैं, तो बस यही ट्री की वेलोसिटी आपको नजर आएगी। समझ रहे हो? तो कहने का मतलब क्या है कि ट्रीज मोशन में नजर आते हैं, ट्रीज रेस्ट में नजर आते हैं, यह डिपेंड करता है कि आप उसको किस प्लेटफॉर्म से किस रेफरेंस फ्रेम से देख रहे हो, और इसी चीज को हम कहते हैं कि मोशन इज रिलेटिव या फिर वेलोसिटीज आर रिलेटिव। समझ आ रहा है? तो आप किस रेफरेंस फ्रेम से देखोगे, वेलोसिटी कितनी एक्सपीरियंस करोगे, यह डिपेंड करता है आप उसको कहां से या किस प्लेटफॉर्म से देख रहे हो। नाउ अभी अगर हम बात करें, जैसे मान के चलिए, तो अब मुझे पढ़ना है, जैसे मान लो मुझे पढ़ना है कि वेलोसिटी ऑफ ट्री With respect to ground, तो उसको कैसे लिखा जाएगा? Velocity of tree with respect to ground, पीछे उसे लिखते हैं जो observe कर रहा है। जैसे मान लो मैंने कहा यहां पर एक है राम और दूसरा है श्याम, तो राम दौड़ रहा है, ये राम दौड़ रहा है, राम दौड़ रहा है, अब श्याम भी पीछे दौड़ रहा है, ठीक है, लेकिन श्याम नोटिस करता है भाई राम मुझसे आगे दौड़ रहा है, इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, है ना? तो श्याम के रिस्पेक्ट में श्याम नोटिस कर रहा है तो मैं इसको बोलूंगा वेलोसिटी ऑफ राम विद रिस्पेक्ट टू श्याम। तो जिसको मैंने जो है पीछे लिखा है ना, उसको समझ लो वो ऑब्जर्वर है या वो नोटिस कर रहा है, ठीक है। नाउ तो अगर मैं लिखा वेलोसिटी ऑफ ट्री विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो मैं इसको पढ़ूंगा कैसे? वेलोसिटी ऑफ ट्री विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड और वेक्टर, क्यों? क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटीज में डायरेक्शन का जो है बहुत ज्यादा मैटर होता है, ठीक है ना। अगर हम अभी हम बात करेंगे बेसिक रूल्स की, तो मैं आपको जनरली रूल्स बता दूं जो हम फॉर्मूले के थ्रू बनाएंगे, वो ये है कि वेलोसिटीज इन अपोजिट डायरेक्शंस आर एडेड। अगर दो ऑब्जेक्ट अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो उनकी वेलोसिटी एड हो जाएगी, क्या हो जाएगी? आर एडेड। कैसे हो जाएगी बता देते हैं अभी आपको। वेलोसिटीज इन सेम डायरेक्शन विल बी सबट्रैक्टेड। अगर दो ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो उनकी जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी वो सबट्रैक्ट हो जाएगी। जैसे कि आपको बताऊं, मान के चलिए कि अगर एक ऑब्जेक्ट आपका इस डायरेक्शन में आ रहा है, दूसरा भी ऑब्जेक्ट आपका इस डायरेक्शन में आ रहा है, मान के चलो कि ये कार है जिसको मैंने नाम दे दिया कार ए, ये कार है जिसको हमने नाम दे दिया कार बी, ठीक है। अब इसका जो ऑब्जर्वर है इसको देख रहा है, दोनों ड्राइवर एक दूसरे को देख रहे हैं, दोनों जो है धूम मचाले की स्पीड में है। अब हुआ क्या कि दोनों ऑब्जर्वर एक कार दूसरे कार वाले को देख रहा है, या कहूं कि कार ए में बैठा हुआ व्यक्ति, या कहूं कि कार बी का जो ड्राइवर है वो ए को देख रहा है, बी का ड्राइवर ए के ड्राइवर को देख रहा है, दोनों जो है ऐसे देख रहे हैं, वो इसको ऐसे देख रहा है, और दोनों जो है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भगा रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा आगे चले गए और आगे चले गए और आगे चले गए और आगे गए, तो देखा कि इसका ड्राइवर भी एक दूसरे को अभी भी देख रहा है, इसका भी देख रहा है, क्यों? क्योंकि ये दोनों इंडिविजुअली तो भाग रहे हैं 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, लेकिन अगर आप वेलोसिटी को ऑब्जर्व करेंगे, है ना, वेलोसिटी को ऑब्जर्व करेंगे तो उसको देखो कैसे करना पड़ेगा। वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, रिलेटिव वेलोसिटी इनकी कितनी है एक दूसरे के लिए, तो अपने इंडिविजुअली तो ये भाग रहे 60 किलोमीटर पर आवर से, लेकिन एक दूसरे के लिए इनकी वेलोसिटी क्या है, तो इसको बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। तो अगर बी देख रहा है ए को तो उसकी वेलोसिटी कैसे होगी? देखो ये जा रहा है 60 किलोमीटर पर आवर से, तो आपने इसको लिखा 60, ये राइट में जा रहा है तो हमने इसको प्लस 60 लिख दिया, माइनस फॉर्मूले का है, ठीक है। अब ये देखो वेलोसिटी ऑफ बी, एक्चुअल में ये जो लिखा है ना ये विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, ठीक है, ग्राउंड ऑलवेज जीरो रेस्ट में होता है, तो हमने जो है इसको ऐसे मान लिया, जब भी लिखा होता है ना ओनली बी ए लिखा लिख दिया ओनली बी ए, तो वो हमेशा ग्राउंड के रिस्पेक्ट में होता है, अगर ग्राउंड के रिस्पेक्ट में नहीं है तो जिसके रिस्पेक्ट में होगा वो लगा के दिया जाएगा। तो बी ए बी 60 माइनस, ये भी कहां जा रहा है राइट में, तो मैंने इसको लिखा प्लस 60, तो आंसर कितना आया बी ए बी वेक्टर इज इक्वल टू ये आपका जीरो। समझ में आ गया? यहां पर अगर राइट में जा रही है प्लस एक्सिस में तो आप उसको पॉजिटिव ले लो, अगर लेफ्ट में जा रहा है नेगेटिव एक्स में तो उसको नेगेटिव ले लो। इतनी बात क्लियर है? तो ये रिलेटिव वेलोसिटी निकल आई इन दोनों की, ठीक है। अब देखो अगर मुझे ये कहना होता ना इंडिविजुअली क्या है, तो वी ए जी वेक्टर इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए कितनी है 60 माइनस वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड कितनी है जीरो, तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, अगर ग्राउंड पे खड़ा होगा कोई जो स्टेशनरी ऑब्जर्वर इसको देख रहा है तो उसकी वेलोसिटी उसको 60 नजर आएगी 60 किलोमीटर पर आवर, और वो भी कहां राइट में, ठीक है। अगर दोनों कार जो है जैसे मान के चलो ये क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, ये क्वेश्चन बढ़िया है, जैसे मान के चलिए मैंने कहा एक ये कार है, ठीक है, या ये चलो ठीक है चलो ये मैंने कहा एक ये कार है, इस कार की जो डिस्टेंस है ना वो 80 मीटर है, कार की जो कार नहीं कहना चाहिए मुझे ट्रेन कहना चाहिए, ठीक है, तो उस ट्रेन की जो लेंथ मान ली मैंने वो 80 मीटर मान ली, और ये जो है ना इन दोनों के बीच में जो सेपरेशन है ये सेपरेशन है आपकी 100 मीटर, ठीक है। नाउ
और इस ट्रेन की जो लंबाई है, जो लेंथ है, वो है 120 मीटर। अब आपसे कह रहा है कि हाउ मच टाइम दे विल टेक टू ओवरकम ईच अदर, मतलब ओवरटेक। अच्छा मान के चलो ये कार जा रही है यहां पर, ये दोनों दो पैरेलल ट्रैक पे जा रहे हैं। कहां पर जा रहे हैं? पैरेलल ट्रैक, एक ये वाले ट्रैक पे और एक ये वाले ट्रैक पे। मान के चलो ये जा रहा है पैरेलल ट्रैक पे, ठीक है, ये पैरेलल ट्रैक पे। अब क्या हो रहा है, इसकी जो वेलोसिटी होगी मान के चलो ये होगी 60 किलोमीटर पर आर, और इसकी वेलोसिटी होगी मान के चलो 40 किलोमीटर पर आर, ठीक है। अब आपको चेक करना है कि ये अगर, क्योंकि देखो इसकी अगर ये ओवरटेक करना है इसको, ये कार ए बी को ओवरटेक करेगी तो कैसे कर पाएगी, तो आप इसके लिए क्या करेंगे, मान के चलिए ओवरटेक करना है ना, तो दूरी कितनी तय करनी पड़ेगी इसको। ओवरटेक कब होगा कि जब ये पूरी 120 मीटर की जो ट्रेन है वो क्रॉस कर दे ये 80 मीटर की, समझ रहे हो, तो यानी कि 80 मीटर उसको अपना पूरा चलना है तब जाके क्रॉस हो पाएगा, और 120 मीटर इसका क्रॉस करना है। इसका मतलब इसको टोटल डिस्टेंस कितनी कवर करनी है, देखो आपको टाइम निकालना है ना, तो टाइम का फॉर्मूला क्या होगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी। तो देखो टोटल डिस्टेंस कितनी कवर करनी है, देखो एक तो ध्यान से देखना इन दोनों के बीच में सेपरेशन कितनी, बोले एक तो इसको 100 मीटर चलना है, 100 मीटर, ठीक है, और इसको जो है 200 मीटर ट्रेन की लंबाई कवर करनी है। तो मैं क्या कहूंगा, मैं कहूंगा कि भाई इसको जो है 300 मीटर चलना पड़ेगा। देखो ना 80 मीटर इसको खुद की, 120 मीटर इसको खुद की, और जो है 100 मीटर जो है इसको बीच का गैप भी कवर करना। तो इसको जो है ना इसको 300 मीटर टोटल चलना है। 300 मीटर रिलेटिव वेलोसिटी क्या है, ये भी जो है आगे बढ़ रहा है और ये भी आगे बढ़ रहा है, तो रिलेटिव वेलोसिटी मैं निकालूंगा, तो कैसे निकालूंगा, वी ए माइनस वी बी निकाल सकता हूं ऐसे, तो 300 और ये आपका 60 और ये भी आपका माइनस 40, तो ये आपका हो जाएगा 300 डिवाइडेड बाय 20, ये ऐसे कैंसिल होगा, तो आपको जो है ना 15 सेकंड लग जाएंगे। 15 सेकंड अगर मैं आपसे कहता कि जो है इनको क्रॉस करना है एक दूसरे को, तो अगर क्रॉस करना होता तब कैसी कंडीशन बनती, तो क्रॉस वाले की जो कंडीशन बनती वो कुछ ऐसे बनती, मतलब अगर ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस करना चाहते हैं तो कैसे कर पाएंगे, एकदम पूरा क्रॉस करना है, बीच में 100 मीटर है, तो क्या करोगे, टोटल डिस्टेंस तो फिर से 300 होगी, लेकिन इस बार वेलोसिटी ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है ना, तो VA 60, BA देखो 60 माइनस VB वेलोसिटी अगर क्रॉस करते तो उसकी वेलोसिटी यहां होती, क्रॉस तो जब भी कर पाएंगे ना एक दूसरे को, क्रॉस इच अदर, तो ये वेलोसिटी फिर क्या हो जाती, ऐड हो जाती, 60 माइनस माइनस 40 तो ये हो जाती 100, तो क्रॉस ये बहुत जल्दी कर जाती है, इनको लगता 3 सेकंड, बताइए जरा क्लियर हो रहा है। तो इसके बाद एक क्वेश्चन और देखते हैं, फिर जो है इसके बाद हम अगले टॉपिक पर बढ़ेंगे, दैट विल बी आवर ग्राफ्स। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको मिल गया है यहां से, वो क्या है कि भाई प्लेन ट्रैवलिंग विद स्पीड ऑफ, क्वेश्चन पढ़ना आराम से, अ प्लेन ट्रैवलिंग विद स्पीड ऑफ 450 किलोमीटर पर आवर। इसमें ये नहीं दिया हुआ कि प्लेन जो जा रहा है 450 किलोमीटर जा रहा है, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में ये वेलोसिटी है, अगर ऐसा नहीं लिख के दिया तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में मानना है, ठीक है। अ प्लेन ट्रैवलिंग विद स्पीड ऑफ 450 किलोमीटर पर आवर, ये प्लेन जा रहा है, वेलोसिटी ऑफ प्लेन विद रिस्पेक्ट टू नहीं लिखा, तो मैंने कहा ग्राउंड, यहां पर स्मॉल जी जो है ना ग्राउंड को दिखा रहा है, क्या वेलोसिटी ऑफ ये जो है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, स्मॉल जी किसको दिखा रहा है, ग्राउंड को ना हो, तो इजेक्ट्स बर्न्ड गैसेस एट द स्पीड ऑफ 1200 किलोमीटर पर आर। अगर प्लेन आपने इस डायरेक्शन में जाता हुआ मान लिया, तो गैसेस ऑब्वियस सी बात है ये जो है इस डायरेक्शन में जाएगी, वेलोसिटी ऑफ गैसेस इज 1200 किलोमीटर पर आर रिलेटिव टू द जेट, यानी कि जो प्लेन जा रहा है ना, तो आप इसको रिलेटिव टू द प्लेन ही लिख लें, ठीक है। ये जो गैसेस हैं, इस गैसेस की वेलोसिटी है 1200 किलोमीटर पर आर, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू प्लेन, वेलोसिटी ऑफ गैस विद रिस्पेक्ट टू प्लेन। लेकिन याद रखो कि अगर प्लेन आप इस डायरेक्शन में उड़ा रहे हो, इसकी वेलोसिटी 450 किलोमीटर पर आर आपने रखी है, ठीक है, बच्चे जो है कर देते हैं कभी कभी जो है बाय चांस कभी गलत कर देते हैं, जैसे इसको तो पॉजिटिव मानो, लेकिन ये पीछे जा रहा है ना, तो उसको नेगेटिव मानना है, क्या मानना है इसको, नेगेटिव। अब बन जाएगा यहां पे कैपिटल जी जो है बर्न्ड गैसेस को दिखा रहा है, ठीक है ना। तो अभी आपको निकालना है, फाइंड द स्पीड ऑफ बर्न्ड गैसेस, दैट मींस आपको वेलोसिटी ऑफ गैस निकालना है, वेलोसिटी ऑफ गैस निकालना है विद रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी ऑब्जर्वर ऑन द ग्राउंड, यानी कि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में आपको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे जरा सोचो, उसका फॉर्मूला ओपन करूंगा तो वीजी माइनस वीजी आ जाएगा, तो ये चीज नहीं निकलेगी। तो यहां पर क्या करें, यहां पर देखो ऐसा करो, वेलोसिटी ऑफ प्लेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ प्लेन विद रिस्पेक्ट, अच्छा ऐसे कर लो उसको, वेलोसिटी ऑफ गैसेज विद रिस्पेक्ट टू प्लेन, आप इसको लिख सकते हो वेलोसिटी ऑफ गैसेज माइनस वेलोसिटी ऑफ प्लेन, ठीक है, ऐसा जो है टर्म ढूंढ लो जिसमें दोनों आ रहे हो,
तो आप इसको लिख सकते हैं, देखो वेलोसिटी ऑफ गैसेस विद रिस्पेक्ट टू प्लेन -1200 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ गैसेस कितनी है ये आपको निकालना है, ये विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ गैसेस विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ प्लेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड 450 आ रहा है, ठीक है। अब 1200 ये साइड आ जाएगा तो ये आ जाएगा आपका प्लस 450, तो ये वेलोसिटी ऑफ गैसेस विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो ये आपका आ जाएगा 750, ये नेगेटिव है किलोमीटर पर आर, तो ये है वेलोसिटी ऑफ गैसेस विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब यहां पर जो आपको ध्यान देना है वो ये है कि नेगेटिव आंसर क्या बता रहा है, नेगेटिव बता रहा है कि प्लेन के रिस्पेक्ट में जो गैसेस हैं वो पीछे की ओर जा रही हैं और ये चीज सही है। तो इतना हो गया, आप इस तरह से क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए, और डिटेल में देखना है तो बस यूट्यूब पर सर्च करो रिलेटिव वेलोसिटी बाय अभिषेक साहू, आपको वीडियो मिलेगी और बहुत सारे जो है आपके सॉल्यूशंस हमने उसमें कराए हुए हैं। नाउ तो आगे बढ़ते हैं और ग्राफ और देख लेते हैं इसमें। फ्रेंड्स अभी हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज ग्राफ, और ग्राफ में हम सीखने वाले हैं किस तरह से आप ग्राफ को रीड करेंगे और उस पर बेस्ड क्वेश्चन करोगे। अगर मैं आपसे कहूंगा ग्राफ कितने टाइप के होते हैं, तो भाई ग्राफ जो है ना आप बहुत सारे टाइप के बना सकते हो, बहुत सारे टाइप के जो है डिजाइन ग्राफ के बन सकते हैं, पैटर्न जिसको अपन कहते हैं, और हर नया जो पैटर्न होगा पुराने वाले से अलग हो सकता है, लेकिन हमें सीखना है जो मोस्ट कॉमन टाइप है, जो अगर हम सीख जाएं तो बाकी सारे ग्राफ को हम पढ़ सकें, है ना। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें सीखने पड़ेंगे ये चार टाइप के पैटर्न, हमारे 11 12th में इन चार टाइप के पैटर्न में से सारे ग्राफ बन जाते हैं। देखिए अगर मैं आपसे कहूं ग्राफ को समझने के लिए हमें दो चीजों को जानना बहुत जरूरी होता है, और हमारे लिए जो क्वेश्चन यहीं से बनेगा। देखो दो चीजें होती है, एक होता है स्लोप और एक होता है एरिया अंडर कर्व। देखिए अगर मैं आपसे कहूं स्लोप क्या होता है, स्लोप का मतलब क्या है, कोई भी लाइन हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ कितनी जो है एंगल बना रही है, दैट मीन इट इज द डिग्री ऑफ इंक्लिनेशन, है ना, कोई भी जो कितनी तिरछी है विद हॉरिजॉन्टल एक्सिस, इट इज स्लोप। स्लोप इज क्या है, स्लोप क्या है, मेजरमेंट ऑफ इंक्लिनेशन, ठीक है। तो जब भी आपको स्लोप बताना होता है आप टेन थीटा से बताते हो, लेट्स से ये डिस्प्लेसमेंट है, ये टाइम है, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप क्या रिप्रेजेंट करेगा, तो भाई मैंने कहा ये हो गया आपके पास एंगल थीटा, तो आप यहां पर निकालोगे भाई टेन थीटा, तो टेन थीटा हमेशा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर क्या है डिस्प्लेसमेंट, और आपका ये क्या है टाइम, तो यहां पर आप देखेंगे भाई चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद चेंज इन टाइम आपको क्या देता है, आपको देता है वेलोसिटी। तो आप देखेंगे कि यहां पर जो स्लोप है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का वो क्या बता रहा है, वो बता रहा है वेलोसिटी। तो भाई जब भी आपको जो है ना किसी भी ग्राफ का स्लोप बताना है तो आप यहां पर y एक्सिस का डिवाइड x एक्सिस से कर दो, आपको स्लोप मिल जाएगा, ठीक है। अगर ये ऐसा होता कि यहां पर लिखा होता वेलोसिटी और यहां पर लिखा होता टाइम, तो इसका जो स्लोप होगा ये स्लोप आपको क्या बताएगा, ये स्लोप आपको बताएगा एक्सेलरेशन, क्या बताएगा, ये स्लोप आपको एक्सेलरेशन बताएगा। क्लियर हो रही इतनी बात ना हो, तो अभी अगर मैं कह दूं कि एक्सेलरेशन के लिए स्लोप बताएं तो कैसे बताऊं, टेन थीटा इज इक्वल टू ये आपका हो जाएगा वेलोसिटी, दैट मीन डी एल वी अपॉन डी एल टी, समझ गए ना, आगे बढ़ेंगे। तो स्लोप आपको क्लियर हुआ, स्लोप बताने के लिए क्या करना होता है, आप बस y अपॉन x बताइए, क्लियर हो जाएगा, मतलब y में जो है उसका x एक्सिस वाले जो है क्वांटिटी से डिवाइड कर दो, जो रिजल्ट आएगा वो आपका स्लोप होगा, क्लियर है ना। अभी स्लोप जो होता है वो दो टाइप का हो सकता है, बेसिकली तीन टाइप, हाँ। तो दो टाइप में क्या है कि अगर जो थीटा है वो आपका 90 डिग्री से छोटा बन रहा है, थीटा लेस देन 90 डिग्री, तो स्लोप जो होगा ना वो हमेशा पॉजिटिव कहलाएगा, बिकॉज टेन थीटा में अगर 90 डिग्री से छोटा जा रहा है तो आंसर पॉजिटिव आता है। बात सुनिए, स्लोप अगर आपका 90 छोटा है, लेस देन 90, तो स्लोप आपका पॉजिटिव होगा। वेलोसिटी क्या होगी, अगर स्लोप पॉजिटिव है तो वेलोसिटी इंक्रीजिंग है, है ना, अगर स्लोप पॉजिटिव है तो वेलोसिटी इंक्रीजिंग है। लेकिन अगर स्लोप आपका जो है 90 डिग्री ज्यादा बन गया, फॉर एग्जांपल इस तरह की कंडीशन बन गई कि भाई ये डिस्प्लेसमेंट ये टाइम है और कुछ स्लोप इस तरह से बन रहा है, तो एंगल आप हमेशा एंटी क्लॉकवाइज बनाएं, कैसे एंगल बनाना, हमेशा एंटी क्लॉकवाइज। तो ये एंगल मान लो आपका 120 डिग्री हो गया, क्लियर है, मान के चलो ये एंगल 120 है, 110 डिग्री हो गया, तो टेन 120 की जो वैल्यू होगी वो नेगेटिव आएगी, और जब वैल्यू नेगेटिव आएगी दैट मीन्स जो वेलोसिटी होगी आप उसको डिक्रीजिंग कहेंगे, क्या कहेंगे, डिक्रीजिंग। जरूरी नहीं वेलोसिटी जो है आपका कुछ भी हो सकता है, बट जो स्लोप होगा वो आपका नेगेटिव। तो मोस्ट कॉमन जो है हम यहाँ पर पोजिशन टाइम में वेलोसिटी टाइम अगर आप पढ़ते हैं तो लेट्स से वेलोसिटी के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये कैसी होगी, डिक्रीजिंग, स्लोप नेगेटिव वेलोसिटी डिक्रीजिंग, स्लोप नेगेटिव वेलोसिटी डिक्रीजिंग, क्लियर है ना, ये आपको क्लियर होगा ना। अभी
हम बात करेंगे एक नई क्वांटिटी, दैट मींस जो नया टर्म है हमारे लिए अभी इस वीडियो के लिए, दैट इज एरिया अंडर कर्व। एरिया अंडर कर्व क्या होता है, जैसे मान के चलो अगर आपसे मैंने कहा कि आप यहां पर जो है इस एक्सिस का डिवाइड इस एक्सिस से कर दो तो आपको स्लोप मिल जाएगा। इसी तरह से अगर आप इस एक्सिस का इनटू मल्टीप्लिकेशन अगर आप इस एक्सिस से करते हो, यहां का इनटू यहां से करते हो, तो आपको पॉसिबल होगा वो पॉसिबल नई क्वांटिटी मिलेगी जो कि एरिया अंडर कर्व को बताइए। जैसे आपको समझाता हूं, लेकिन पहले अपन इसको थोड़ा सा पढ़ें। जैसे मान के चलिए ये पोजीशन है या फिर मैं इसको डिस्प्लेसमेंट भी कहता हूं या डिस्टेंस भी कहता हूं। डिस्टेंस कहूंगा तो जो रिजल्ट होगा वो स्पीड कहलाएगा, अगर मैं इसको डिस्प्लेसमेंट कराऊं तो रिजल्ट होगा वो वेलोसिटी कहलाएगा। नाउ तो अगर ये पोजीशन है और ये टाइम है, क्लियर, तो पोजीशन टाइम के साथ नहीं बदल रही। देखो ये पोजीशन वाई एक्सिस पोजीशन है ना, तो पोजीशन नहीं बदल रही लेकिन टाइम बदल रहा है। तो ये जो कंडीशन हो गई कैसी हो गई, ये रेस्ट की स्टेट हो गई। कैसी हो गई, ये स्टेट रेस्ट की हो गई। अभी हम बात करेंगे ये कैसी वेलोसिटी है। देखो टाइम भी बढ़ रहा है और इसकी डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन भी लीनियरली बढ़ रही है, तो ये जो है ना ये कॉन्स्टेंट वेलोसिटी को दिखा रहा है। किसको दिखा रहा है, कॉन्स्टेंट वेलोसिटी को, कॉन्स्टेंट वेलोसिटी या लीनियर वेलोसिटी। अब इसी चीज को कॉन्स्टेंट वेलोसिटी को दिखाने के लिए ये वाला ग्राफ भी बनता है। देखो वेलोसिटी नहीं बदल रही, टाइम बदल रहा है, क्लियर है, आगे बढ़ेंगे। अब अगर ये वाला ग्राफ मिल जाए आपको तो देखो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर क्या हो रहा है, देखो यहां तक तो आप आए, यहां पे क्या हो रहा है, ये जो टाइम धीमे धीमे बढ़ रहा है और डिस्प्लेसमेंट देखो ज्यादा हो रही है, मतलब पोजीशन ज्यादा हो रही है। इसका मतलब है कि देखो टाइम कम कम बढ़ रहा है और पोजीशन ज्यादा ज्यादा बढ़ रही है। इसका मतलब है डिस्प्लेसमेंट ज्यादा ज्यादा हो रही है, इसका मतलब है कि वेलोसिटी बढ़ रही है। ये कैसा ग्राफ है, ये ग्राफ है इंक्रीजिंग वेलोसिटी। लेकिन अपन ऐसे थोड़ी ना बार बार उंगलियां रख के बताएंगे, तो आपको बोला ना कि आप इस पॉइंट पर देखो, ये देखो एंगल कितना है, थीटा इज इक्वल टू 90 छोटा, तो जो स्लोप होगा वो पॉजिटिव होगा। और अगर पॉजिटिव स्लोप है तो फिर क्या होगा कि वेलोसिटी बदल रही है, ठीक है। यहां पर भी थीटा देखो, यहां पर भी थीटा देखो 90 छोड़ा जा रहा है, यहां पर टेंजेंट डालो और यहां 90 छोड़ा जा रहा है ना, तो बस सिंपल सी बात है आपकी वेलोसिटी इंक्रीजिंग है। देखो यहां पर एंगल छोटा है, फिर यहां पर एंगल बड़ा हो गया, फिर यहां पर एंगल बड़ा हो गया, तो वेलोसिटी बदल रही है। लेकिन कैसी वेलोसिटी इंक्रीजिंग है, जबकि यहां पर देखो ये क्या है, अभी एंगल इतना है, इसके बाद क्या होगा, ये देखो एंगल ये डिक्रीजिंग में जाएगा, मतलब आपका जो है इस तरह से, यहां पर पीछे से नहीं बनेगा, ये आपका इस तरह से बनेगा, क्लियर है, बात समझ में आ रही है। तो ये जो है ना ये आपका डिक्रीजिंग है, बात क्लियर है, ये कैसा है, ये आपका डिक्रीजिंग है, ये कैसा है, ये आपका डिक्रीजिंग है। तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये आपका टाइम हो गया, तो ये वाला जो ग्राफ है ये कैसा है, ये डिक्रीजिंग वेलोसिटी है, डिक्रीजिंग वेलोसिटी है, तो फिर ये एक्सेलरेशन को भी रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो फिर एक्सेलरेशन भी दिखाएगा। यहां पर भी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो ये भी एक्सेलरेशन को दिखा रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में एक्सेलरेशन शो हो सकती है अगर वेलोसिटी बदल रही हो तो। अभी हम बात करेंगे एरिया अंडर कर्व की, और इस पर जो है किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है ये भी आपको बता देते हैं। तो मान के चलिए अगर आपके सामने ये कर्व बना दिया जाए, ये कुछ इस तरह से, ये डिस्प्लेसमेंट है और ये टाइम, या चलो मैं ऐसा कहता हूं ये वेलोसिटी है और ये टाइम है। अब आपको निकालना है इसका एरिया अंडर कर्व, तो आप एरिया निकाल दो तो इंटू करते हो, है ना। नाउ तो क्या करेंगे, तो आप अगर निकालना चाहते हो भाई एरिया अंडर कर्व, तो अब आप क्या करें, इस वेलोसिटी का इंटू टाइम से कर दो, तो वेलोसिटी इंटू लेट से डेल टी, चलो यहां पे एकदम डेल वी इंटू डेल टी। आप इस डेल वी को क्या लिख सकते हो, डेल एस बाय डेल टी, और ये भी आपके पास चल रहा है डेल टी, ठीक है। नाउ तो डेल टी से डेल टी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा आपके पास, डेल एस। तो एरिया अंडर कर्व फॉर वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट। तो आप ये जो, अगर आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप लोगे ना तो वो एक्सेलरेशन दिखाएगा, बट एरिया अंडर कर्व लोगे तो ये डिस्प्लेसमेंट दिखाएगा, बात समझ में आई। नाउ अगर मैं आपसे कहता हूं कि एरिया अंडर कर्व निकालो फॉर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ के लिए एरिया अंडर कर्व निकालना है, तो क्या करोगे, इसका एयूसी एरिया अंडर कर्व क्या बोलो, डोला डेल ए, या सिंपल आप उसको बोलो ए इंटू डेल टी, ठीक है। तो आप इस ए को क्या लिख सकते हो, आप इस ए को लिख सकते हो डेल बी बाय डेल टी लिख सकते हो, और इंटू डेल टी, ठीक है। तो ये देखो, तो एरिया अंडर कर्व फॉर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ क्या देगा, ये देगा आपको वेलोसिटी, क्या देगा आपको, ये देगा आपको वेलोसिटी, ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। नाउ अब अगर आपसे कहा जाए इसके स्लोप की बात बाद में कभी और करेंगे, समझ रहे हो। नाउ
तो AUC हो गया आपका डेल V बाय डेल T, और इसका जो स्लोप होगा वो आपको वेलोसिटी देगा। अब अगर आपने कह दिया सर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का तो बता दो, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो है एरिया अंडर कर्व क्या दे सकता है, तो जरा चेक करो डेल S इंटू डेल T, ठीक है। तो यहां से आपको जो है ना फर्दर इसको जो है आप ओपन नहीं कर पाओगे एक्सपेंड, तो एरिया अंडर कर्व फॉर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ आपको कुछ भी नहीं देगा। ये चीज आपको समझ के चलनी है, ये बात क्लियर हो रही है। नाउ आगे बढ़े, अब इस पर क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे आपके स्कूल में वो और एक बार देख लो। अभी देखिए आपके स्कूल में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा इस ग्राफ पर बेस्ड वो कैसे होगा, तो जरा एक बार इसको पढ़ना, ध्यान से पढ़ना। ए बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, कोई बॉडी है रेस्ट से स्टार्ट होती है, मतलब जो भी हम डायग्राम बनाएंगे वो ओरिजिन से स्टार्ट करेंगे। ए बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एट द रेट ऑफ 10^10 एट द रेट ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि कोई बॉडी है रेस्ट स्टार्ट कर रही है और इसकी जो है ना वेलोसिटी बढ़ रही है, ठीक है, फॉर 5 सेकेंड। इट मूव्स फॉर 2 सेकेंड फॉर यूनिफॉर्म वेलोसिटी, या इट मूव्स फॉर 2 सेकेंड विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है, 50 मीटर पर सेकेंड। देन इट रिटार्ड्स एंड कम टू द रेस्ट इन नेक्स्ट 3 सेकेंड। ड्रॉ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, फाइंड द टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कह रहा है ना, तो आप यहां पर स्पीड टाइम ग्राफ समझ लेना, क्वेश्चन में तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ लिखा हुआ है। तो देखो अगर आपसे कहा जाए कि अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, तो लेट से मान लो कि मैंने यहां पे बनाई वेलोसिटी, वेलोसिटी चलो मान लो मैंने यहां पे दिखा दी, ये वेलोसिटी हो गई, तो यहां से ओरिजिन से बीच में एकदम रेस्ट से स्टार्ट करूंगा मैं, ठीक है ना, ये रेस्ट से, और आपकी जो वेलोसिटी है वो बढ़ते बढ़ते एकदम रेस्ट से, तो वेलोसिटी जीरो होगी, फिर वेलोसिटी बढ़ते बढ़ते कहां तक पहुंच गई भाई, 50 मीटर पर सेकेंड तक। इसके बाद क्या हुआ, ये कितना, ये 5 सेकेंड में हुआ, कितने सेकेंड में, ये 5 सेकेंड में हुआ। इसके बाद जो वेलोसिटी है ये 2 सेकेंड के लिए, ये 2 सेकेंड के लिए यूनिफॉर्म रही है ना, 50 मीटर पर सेकेंड से ही चली, और उसके बाद ये अगले 3 सेकेंड के लिए जो वेलोसिटी डिक्रीज होते होते कहां तक आ गई, वापस से जीरो, है ना। इट रिटार्ड्स एंड कम्स टू रेस्ट इन 3 सेकेंड, यानी कि रेस्ट में कब आ जाएगी, जब वेलोसिटी जीरो हो जाए इसकी। नाउ तो अभी जो है ना 2 सेकेंड के लिए, यानी कि 5 सेकेंड तक ये टाइम सेकेंड में लिखा है, ये जो है इसकी वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकेंड पहुंच गई, फिर 2 सेकेंड के लिए 5 सेकेंड 7 सेकेंड ये यूनिफॉर्मली चली, उसके बाद अगले 3 सेकेंड में ये कहां पर पहुंच गई, वापस से रेस्ट में, रिटार्ड लिखा है ना, तो इसकी वेलोसिटी को अपन कम करेंगे, क्लियर। तो अब आपसे कह रहा है ड्रॉ वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर टोटल डिस्टेंस, है ना, टोटल डिस्टेंस आपको कैलकुलेट करना है, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का है तो मान लो स्पीड टाइम ग्राफ होगा। चलिए तो अब अगर अगर हमें जो है ना यहां से ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ से डिस्प्लेसमेंट कैसे निकाली जाती है, डिस्टेंस, तो क्या बोलोगे, एरिया अंडर कर्व निकालो, एरिया अंडर कर्व ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो कैसे मिलेगा, आप देखो यहां पर क्या करोगे, एरिया अंडर कर्व निकालना है ना, तो बड़ा ही सिंपल सा काम है कि आप क्या करें, आप अलग अलग तरह से इसको कर सकते हो, या फिर एक बार में इसका पूरा एरिया निकाल दो। तो अगर चलो मैं आपसे ऐसा कहता हूं कि ऐसे ऐसे कर लो इसको, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम भी आप लगा सकते हो, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम लगा दोगे तो ये आसान हो जाएगा। तो अगर मैं इसका एरिया ऑफ ट्रेपेजियम लगाता हूं तो ये हो जाएगा हाफ इनटू सम ऑफ इसके जो भी पैरेलल साइड्स हैं, इसका आप सम कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा, ये जो है आपका ये 2 है, ठीक है, प्लस ये कितना है 10 है, और उसके बाद जो उसकी कॉमन साइड हो रही है, जो उसकी एल्टीट्यूड हो रहा है इसका, इसका इनटू कर दो तो आपको कितना मिलेगा, ये मिल जाएगा 12 इनटू 50 बाय 1/2, ठीक है, ये आपका 25 हो गया। हाँ या सिंपल कर लोगे तो यहीं से इसको कैंसिल कर दो, ये 6 हो जाएगा और ये आपका 300 मीटर, ये आंसर आ गया, समझ भाई इतनी बात। तो ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड है, तो इस तरह से आप इस पर बेस्ड क्वेश्चन कर सकते हैं। बाकी क्वेश्चंस में एक आध क्वेश्चन और अपन इस पर, अभी जो आज का हमारा फाइनल क्वेश्चन होने वाला है वो कुछ इस तरह से, मान लीजिए कि आपको जो है ना ये स्कूल में इस तरह क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि फिगर शोज डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ये आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ दिया है, डिस्टेंस जो है ना वो किलोमीटर में है और टाइम जो है वो आर में दिया हुआ है। तो अभी आपसे कहा जा रहा है कि ये जो है ना ये 2 ट्रेन का डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, 2 ट्रेन साइमल्टेनियसली, दैट मींस एक ही टाइम पर चलना स्टार्ट करती हैं, एक ट्रेन यहां से स्टार्ट होती है और दूसरी ट्रेन यहां से, ये 100 किलोमीटर है, ये 0 किलोमीटर है। तो अब इस ग्राफ के थ्रू हमसे पूछा जा रहा है कि हाउ मच बी इज अहेड ऑफ ए, लेट से दिस ग्राफ इज फॉर बी एंड दिस इज फॉर ए, क्लियर। नाउ तो चलो मैं इसको ऐसे कह देता हूं, दिस इज फॉर बी एंड दिस इज फॉर ए। नाउ तो अगर अभी आपसे कहा जाए कि ए से बी कितना आगे है,
तो आप क्या कहेंगे कि भाई देखो जब ए 0 किलोमीटर पर है तो बी जो है ना 100 किलोमीटर पे थी, दैट मीन्स इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर आप लिखेंगे कि भाई बी इज 100 किलोमीटर अहेड, ठीक है, बी इज 100 किलोमीटर अहेड ऑफ ए। नाउ इसके बाद स्पीड ऑफ बी, स्पीड निकालना है तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड करोगे निकल आएगा, तो वाई अपॉन एक्स करो, तो वाई कितना है, वाई देखो ये 50 है ना, 50 अपॉन एक्स कितना है, एक्स देखो कितने घंटे, भाई 2 घंटे, तो आपका ये तो इतना आ जाएगा 25 किलोमीटर पर आवर, तो दिस इज योर 25 किलोमीटर पर आवर। नाउ अभी इसके बाद व्हेन एंड वेयर दे विल मीट, तो भाई ये जो है ना कब और कहां मिल जाएंगी, कब और कहां, तो आप ये देखिए कि ये दोनों ट्रेन जो है ये आफ्टर 2 आवर कब मिलेंगी, आफ्टर 2 आवर ये ट्रेन जो है ना 2 घंटे के बाद मिल जाएंगी, और कहां मिलेंगी, तो आप यहां पे लिखेंगे कि भाई ए विल ट्रेवल ए कितना चल जाएगी, ए विल ट्रेवल 150 किलोमीटर फ्रॉम द स्टार्टिंग फ्रॉम द बिगिनिंग, है ना, ए जो है ना 150 किलोमीटर चल गई होगी फ्रॉम द बिगिनिंग, टेक नाउ, और बी कितना, बी विल ट्रेवल 50 किलोमीटर है ना, तो आप यहां पे लिखेंगे दे विल मीट व्हेन ए ट्रेवल्स 150 किलोमीटर फ्रॉम द बिगिनिंग एंड बी ट्रेवल्स 50 किलोमीटर फ्रॉम द बिगिनिंग, ठीक है ना, ये चीज हो जाएगी। चलिए तो बस ये बात आपको यहां पर क्लियर करनी थी, तो आई होप ये सारी चीज आपको क्लियर हुई होंगी। तो इस तरह से हमारा ये चैप्टर जो है कंप्लीट होता है वन शॉट के अंदर, और मेरे हिसाब से मैंने इसमें बहुत सारा जो कंटेंट है वो देने की कोशिश की आपको जितना हो सकता था वन शॉट के अंदर। अगर आप डिटेल में देखना चाह रहे हो तो प्लेलिस्ट की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दी है, आप इसको एक बार जरूर विजिट करें। अगर आपके लिए पॉसिबल हो सके कि आप इन मेहनत को थोड़ा सा अंजाम देना चाहते हैं तो इन वीडियोज को जरूर शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, सो दैट ये वीडियोज आगे बढ़ सकेंगी तो और वीडियोज बनाने में बहुत मजा आएगा। सो थैंक यू सो मच गाइज, थैंक्स अ लॉट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए पढ़ते रहें, थैंक यू गाइज।